वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शुरू की हुई है, उसमें हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट पे, बेसिकली जुडिशियरी। जुडिशियरी को हम शुरू करेंगे और एक साथ सारी जुडिशियरी को हम खत्म करेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट शुरू करेंगे, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आएंगे और जितने भी नई तरह की इनोवेशंस हम देखेंगे, जहां पे लोक अदालत की बात की जाती है या फिर अगर हम कहें एडीआर्स की बात की जाती है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे जुडिशियरी की, और जुडिशियरी में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की। ये सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि फाइनल इंटरप्रेटर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगर मैं पूछूं कि प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे कि ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा। कहां सुना है? बिल्कुल, इसकी ओथ लेता है। कौन लेता है? इसकी ओथ ली जाती है बाय प्रेसिडेंट। तो प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर हमारा कौन हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनल इंटरप्रेटर की या फिर गार्जियन की, तो फाइनल इंटरप्रेटर और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो दोनों में फर्क ध्यान रखना कि क्या आए तो क्या लगाना है, ठीक है? क्लियर है? यहां पे कंफ्यूजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। हमने डिटेल में किया था ये जब हम फंडामेंटल राइट कर रहे थे, बिल्कुल। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका बेसिक चीज, जहां से हम शुरुआत करते हैं कोई भी चैप्टर, क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक कौन डील करता है? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। हम बेसिकली अगर हम देखें तो पार्ट फाइव के अंदर ही आएगा, क्योंकि पार्ट फाइव क्या है? यूनियन। तो यूनियन की जुडिशियरी का पार्ट हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम पार्ट फाइव की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 151 की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से लेकर 78 तक। यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, चार चीजें पढ़ी थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन उसके बाद क्या पढ़ा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा। फिर हमने 79 से पढ़ा 122 तक। यहाँ क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पूरा पार्लियामेंट पढ़ दिया। पार्लियामेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। और उसके बाद पूरे पार्लियामेंट में कितने टाइप के बिल होते हैं, कैसे उनको पास किया जाता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट की क्या पावर होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, वो सारी, प्लस उसके बाद हमने उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस भी देखी, एमपी की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो वो सारी चीजें हमने इस दौरान देखने की कोशिश की 79 से 122। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 124 से लेके 147 से 147 हमारा सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अब आप कहेंगे इस सीक्वेंस में 122 के बाद सीधा आ गया 124, 123 कहाँ गया? 123 कहाँ गया? तो इस 123 को हमने पढ़ा था जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, और प्रेसिडेंट की क्या है ये? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। क्लियर है? ये तीन आर्टिकल आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज ना करें, तो तीनों को आप अलग से लिख लेना, 123 को, उसके बाद 213 को, और उसके बाद 312 को। इन तीनों को आप एक साथ कहीं लिख लेना। 123 क्या है? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। देन उसके बाद 213 क्या है? गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 312 क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज।
तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है, एक जगह आप साइड में इसको लिख सकते हो ताकि आपको बार बार देखो तो पता रहे। इनको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो, 1 2 3 के हिसाब से, सबसे ऊपर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हो अगर रखना चाहो तो। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट डील करता है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, किसमें आएगा, पार्ट 5 के अंडर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कहां से इसको पावर मिलती है, आर्टिकल 32 से। अब हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस टाइप का है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस टाइप का है। अगर आप देखेंगे, हम हमारे जुडिशियल सिस्टम को एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कि हमारा कुछ इस तरह का है, ये पिरामिड टाइप का है। कैसे है कि सबसे टॉप पे सिंगल है, यहां पे है सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप पे सिंगल पॉइंट है, यानी कि सिंगल एक ही कोई कोर्ट होगा, तो सबसे टॉप पे हमने क्या रखा, सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद अगर हम यहाँ लेवल पे देखें तो यहाँ पे इनके बीच में ब्रेक हो सकता है, यानी थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, वाइड हो गया, यानी और ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बीच में हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे और ज्यादा फैला हुआ है, और ज्यादा फैला हुआ है, तो नंबर ऑफ कोर्ट्स नीचे और ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पे और ज्यादा कोर्ट्स आपके आ जाएंगे, और इन सब कोर्ट्स को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब मैं एक पिरामिड बना रहा हूं तो इसका एक पर्पज है। क्या पर्पज है, कि ये इसी एक चीज से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, यानी कि ये जुडिशियल सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये ना तो लेजिस्लेचर इसमें आएगा ना एग्जीक्यूटिव इसमें आएगा। इन्होंने अपना एक घर बना लिया अलग से, क्या बनाया है, अपना एक घर बना लिया है, तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, सारा काम अपना खुद करते हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद किए जाते हैं। क्लियर है, सारा काम जुडिशियल सर्विसेज का इनका खुद होता है। क्लियर है, क्यों होता है, तो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 हमने डीपीएसपी में पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर का बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और ऐसे ही हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट हमारा सिस्टम है, पिरामिड हमारा इंडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज पता लगती है, क्या पता लगती है, तो इसके साथ साथ हमें पता लगती है कि जब ये एक ही घर की बात की जा रही है, जब मैं बोल रहा हूं कि ये एक ही घर है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर जो है सब उसी की बात मानेंगे। तो यहां पे हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी बात होगी वो बाइंडिंग होगी सभी कोर्ट पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सब नीचे वाले जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबके लिए मान्य होगी, सबको वो बात माननी पड़ेगी। और ये सारे कोर्ट एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी नीचे एक कोर्ट होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट होगा, और ऑर्डर किस हिसाब से चलेंगे, जो सबसे ऊपर वाला होगा नीचे वाले को देगा, उससे नीचे वाले को देगा, इस हिसाब से। क्लियर है, तो सारे एक घर में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर अपने ऊपर वाले से ऑर्डर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड, कि सभी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सबसे अलग हैं और आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम अगर हम देखें तो क्या है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसीलिए इसको हमने पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का नाम दिया है। अब ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट यानी कि इंटीग्रेटेड वाला जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड यानी कि एक घर की बात है वो सारी, एक पिरामिड में ये अंदर का जो सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड है, सभी कोर्ट आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो इसका है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, कि ऐसा नहीं जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जनरली देखोगे, यूएसए में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है लेकिन नीचे नीचे सभी स्टेट के अपने अपने अलग अलग कोर्ट्स भी हैं जो उसके अंडर नहीं आते। जो सुप्रीम कोर्ट का जो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद नीचे सभी स्टेट के अपने अपने कोर्ट्स भी हैं जो उसके नीचे नहीं आते हैं, वो अलग इंडिपेंडेंट है। तो हम वहां सिंगल सिस्टम कह सकते हैं कोर्ट, नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे जो भी कोर्ट है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहेंगे,
उनको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। और हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होने के नाते एक कोर्ट दोनों लॉज के ऊपर दोनों लॉज को एनफोर्स करता है, यानी हमारा जुडिशियरी सिस्टम स्टेट लॉज को भी और सेंट्रल लॉ को भी एनफोर्स करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट लॉज को भी एनफोर्स कर सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, हिस्ट्री देखने की कोशिश करोगे, तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलते थे। क्लियर है? ध्यान रखना, इसको कंफ्यूजन में मत रहना। ये जो 1773 में जो बना था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलते थे, इसको हम बोलते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। तो कैलकटा के अंडर जितना एरिया आता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिर्फ उसी एरिया के अंदर इसका राज चलता था इस सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था। उसके बाद दो और प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, मैड्रेस थी, देन उसके बाद बॉम्बे थी। यहां पे भी अलग अलग इनके कोर्ट खुल गए, यहाँ पे भी अलग अलग खुले। 1800 में आप देखेंगे सेकंड खुला, फिर उसके बाद नेक्स्ट खुला, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1861 के आसपास आपको दिखाई देगा कि 1861 के आसपास इस सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर जगह पे आपको हाई कोर्ट्स दिखाई देते हैं, प्रोविंसेस में हाई कोर्ट बनते हुए दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? प्रोविंसेस में हाई कोर्ट बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये हाई कोर्ट भी क्या है? अपने प्रोविंस के अंडर रहेंगे। इनके ऊपर कौन होगा? अपने एरिया में तो सबसे सुप्रीम ही होंगे, इनके ऊपर क्या होगा? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल होगी। क्या होगी? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। तो ये हमारा सिस्टम चलता आ रहा था। इसको देखेंगे तो हमने एक जगह पे आके कब 1935 में आके इस पूरे कोर्ट सिस्टम को चेंज किया और बोला कि सबसे ऊपर एक कोर्ट होना चाहिए, सबसे ऊपर एक कोर्ट होना चाहिए। और उस टाइम पे हमने बनाया फेडरल कोर्ट। क्या बनाया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये किसके आदेश पे बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। किसके आदेश पे बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने क्या बनाया? फेडरल कोर्ट। और इसी फेडरल कोर्ट को ही हमने क्या किया? हमने अपना सुप्रीम कोर्ट बना दिया। कब? 28 जनवरी 1950 में। कब बनाया है? 28 जनवरी 1950 में। अगर आप देखेंगे ये, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाए तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये जो 28 जनवरी 1950 में जब बनाया गया था, ये कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? तो ये जो हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एक प्रिंस काउंसिल करके होता था, प्रिंस काउंसिल हॉल करके होता था। उस प्रिंस काउंसिल हॉल में बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था। और उसके बाद 1958 के अराउंड अगर हम देखें, 1958 के अराउंड जो आज की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखना। क्या सबसे पहली चीज कि हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो किसका प्रीकर्सर, किसका हम कहेंगे सक्सेसर है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। किसका? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसने इसको सक्सीड किया है। किसको? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में। ध्यान रहेगा? नहीं ध्यान रहेगा, फिर से एक इमेज बना लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोला कि हम बनाएंगे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये क्या है? फेडरल कोर्ट ऑफ क्या है? इंडिया है। ये पूरे इंडिया के ऊपर रहेगा। और इसी कोर्ट को हमने चेंज किया है एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कब चेंज किया है? हमने इसको इनॉग्रेट किया कब? 28 जनवरी, यानी जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसके दो दिन बाद, उसके जस्ट दो दिन बाद हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट कर लिया था। इतनी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है। बाकी कहानी बस आपकी नॉलेज के लिए बताई है। याद रह पाए वेल एंड गुड, नहीं याद रह पाए ये मस्ट है, इतना आपको याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिप्लेस किया? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट जिसको हम बोलते थे, जिसको एज ए अपील कि फेडरल कोर्ट से भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तब उसके बाद आप इसको अपील के लिए जा सकते हो।
कि हम उसके जो उसने भी ऑर्डर दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमें जो है दोबारा सुनवाई चाहिए, तो आप अपील के लिए यहाँ जा सकते हो। अब आज के टाइम पे इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। 1937 में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बने थे। बने थे किसके ऑर्डर पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट फेडरल कोर्ट बना 1937 में। इनका फर्स्ट हमारा जो इंडिया का सीजीआई था, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वायर, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब क्वेश्चन आएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा क्या कहते हैं, हमने इनॉग्रेट कर लिया हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद फर्स्ट सीजीआई कौन बने थे? तो उसके बाद बने थे सर हरिलाल कानिया को हम कह सकते हैं, ठीक है, सर हरिलाल कानिया, जे कानिया बेसिकली इनका शॉर्ट नाम लिखा जाता है, और कोई पूरा नाम याद रख सकता है तो जे के सुंडास कानिया इसका पूरा नाम रख सकता है, ठीक है, तो इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, सर एच जे कानिया भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीजें, ये कुछ नाम, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जहां लॉजिक की बात आएगी आपको लॉजिक से सिखाता चलूंगा, ठीक है। अब इतनी चीजें हो गई, और ये क्या हो गया, फर्स्ट सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बता दिया है। इसमें ध्यान रखना, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसको रेगुलेट कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट ऑथराइज है हमारे सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के, लेकिन किस हिसाब से रेगुलेट करने के, किस हिसाब से रेगुलेट करने के लिए, तो वो चीज आपके में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके ऑफिसर को अपॉइंट करे, जज ही अपॉइंट करे, नहीं, इसकी पावर्स को बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? पावर्स इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। ध्यान रखना, मैंने डिक्रीज वर्ड नहीं बोला है, इसीलिए मैं इसको ये भी बोल सकता था कि पावर चेंज कर सकती है, इसीलिए स्पेसिफिकली बोला है कि इसकी पावर इंक्रीज की जा सकती है बाय पार्लियामेंट, डिक्रीज नहीं की जा सकती, पावर नहीं कम कर सकते जुडिशियरी की पार्लियामेंट, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो पार्लियामेंट कैन इज ऑथराइज टू रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट, कैसे? एक तो उसकी पावर बढ़ा सकती है, और नंबर ऑफ जजेस चेंज कर सकती है, नंबर ऑफ जजेस चेंज कर सकती है। तो ये एक दो चीजें इसमें ध्यान रखना कि कैसे रेगुलेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब ये चेंज कर सकती है, तो चेंज किया, कब किया? 2019 में ये एक्ट लेके आए, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट। कौन लेके आए? पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आएगा कि आज के टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आज कितने हैं? आज के टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो है 34, जो कि इंक्रीज की गई है 2019 में। 2019 से पहले थी 31, कितनी थी? 31। और जब हमारा इनॉग्रेट किया था हमने, कब? 28 जनवरी 1950 को, तो इस दिन हमारी कितनी स्ट्रेंथ थी? इस दिन हमारी टोटल थी 7+1, 7 सुप्रीम कोर्ट जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल हो गए 8। इस दिन हमारी 8 थी, 2019 से पहले 31 थी, 2019 में हमने बढ़ा के 34 कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं। क्लियर है? इतना इतने हमारे नंबर ऑफ जजेस ऑथराइज हैं। किसने ऑथराइज किए, क्वेश्चन ये आएगा, तो पार्लियामेंट ने ऑथराइज किए। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अपॉइंटमेंट देखते हैं, हमने नंबर ऑफ जजेस देख लिए, नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अपॉइंटमेंट को देखते हैं कि उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग अलग उसमें देखेंगे कि पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हर जगह पे सीजेआई लिखा है मैंने, तो उसी हिसाब से उसको समझना। ध्यान रखना, कभी भी इसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि यह पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड, एक सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, जो सुप्रीम जज होगा, उसको बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जो भी स्टेट है।
क्लियर है? इसीलिए डिफरेंस समझो कि किसी भी वर्ड को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें। कौन अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर हम देखें किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और इनको अपॉइंट करना भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आएगा। या फिर अगर हम कहें तो जुडिशियल पावर में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी अपॉइंटमेंट वो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है, किसी का भी अपॉइंटमेंट वो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो यहां पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है तो किसके अंदर आ जाएगा, प्रेसिडेंट के अंदर। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लेकिन कैसे अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? तो ध्यान रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस जज को अपॉइंट किया जाएगा जो भी उसमें सीनियर मोस्ट होगा। क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चलता आता है, क्यों चलता आता है, उसके पीछे थोड़ी देर में कहानी बताऊंगा, उसके पीछे थोड़ी देर में कहानी बताएंगे जब हम फर्स्ट जजेस केस में पहुंचेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है कि जो भी सीनियर मोस्ट होता है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी कोई काम नहीं करता, किससे पूछ के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो इनको बोलेंगे कि जाकर उसको अपॉइंट कर दो, तो उसे अपॉइंट कर देता है, और ये जो जो भी काम कर रहा है वो करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, जब उसे पता है कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है तो एक कंसल्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये क्यों लिखना पड़ा कि इसको आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, यानी जिससे भी वो नेसेसरी समझे उससे पूछ सकता है। ध्यान रखना ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी है कि सीनियर मोस्ट जज को लगाना है, लेकिन उसी बीच में ये एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं वो उस सीट के हिसाब से है या नहीं है, तो उसके रिकॉर्ड्स और वो सारी चीजें इन जजेस से पूछी जाती है कि उसका बिहेवियर कैसा है, ये कैसा है, ओवरऑल एथिक्स कैसे हैं, मोरल कैसा है। तो ये सारी चीजें पता करने के बाद ही जनरली, या फिर हम कहेंगे कि मैंडेटरीली, जो सीनियर मोस्ट होता है उसे बनाया जाता है। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत लगता है तो उसके खिलाफ थोड़ी सी इंक्वायरी वगैरह करके किया जा सकता है, लेकिन वो आपके किताब में लिखा नहीं है और ना आपने कहीं सुना होगा ना आप उसको सोचेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कौन, जो सीनियर मोस्ट होगा। बहुत बड़ी कहानी है इनकी, एक एक की अगर हम देखें तो पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, तो हम सिर्फ एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ते चलेंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी जजेस ध्यान रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो सीनियर मोस्ट बना दिया, बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड अदर सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। क्लियर, और यहां पे ये कंसल्टेशन विद सीजीआई इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये मैंडेटरी है। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना। इसी चीज को मैं दोबारा आऊंगा, उससे पहले एक कुछ चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि किसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। उसको एक अलग से एक छोटा सा हम एक लिख के कहीं पे देख लेंगे, लेकिन अभी उससे पहले एक कहानी समझ लेते हैं कि इसका जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है ये कैसे निकला है। ठीक है, होगा क्या, ये मैंने बता दिया कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ऑब्लिगेटरी है या फिर मैंडेटरी है, जब भी कोई जज आओ इसको अपॉइंट करना हो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, तो ये मैंडेटरी है, इसको इससे पूछना। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब मैंने ये बोला, अब इस कहानी को दोबारा समझते हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन, इस वर्ड पे ध्यान देना कि आफ्टर कंसल्टेशन की बात की जा रही है, कि आफ्टर कंसल्टेशन
विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब क्वेश्चन एक बार उठाया गया, किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया कि ये जो कंसल्टेशन है, ये जो कंसल्टेशन है किससे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो आप कंसल्ट कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या सिर्फ एडवाइजरी होता है। कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट जजेस से पूछेगा, तो जजेस ने हां बोला या ना बोला, अब प्रेसिडेंट को वो बात माननी है या नहीं माननी है या सिर्फ एडवाइजरी होता है, क्वेश्चन आया। और ये पूछा गया, अगर हम देखेंगे, ये पूछा गया फर्स्ट जजेस केस में, ये क्या है जजेस केस, क्वेश्चन आता है जजेस केस क्या है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जजेस चार हुए हैं, कितने हुए, चार के हुए हैं, ये किस चीज के लिए हुए हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फॉर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए ये जो दो हमने कहानी लिख दी ना, इसमें क्लैरिटी लेने के लिए ये चार केस हुए कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाए, उसके लिए चार केस हुए और इन्हीं को बोला जाता है बेसिकली, अगर हम कहें इसका नाम जो सुना होगा आपने वो सुना होगा थ्री जजेस केस, लेकिन अभी वो जो है बेसिकली अगर हम देखेंगे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के बाद अभी ये फोर जजेस केस हो गया, तो ये फोर जजेस केस में कैसे कैसे किसने किसने क्या क्या बोला वो हमें समझना जरूरी है, उसी के हिसाब से हम आगे बताएंगे कि कहां पे कैसे किसको अपॉइंट करना है और वो हमें यहां से पता लगा। तो फर्स्ट जज केस हुआ, कैसे हुआ, ये बेसिकली किसी ने क्या डाल दी, PIL डाल दी, क्या डाल दी, PIL डाल दी, ठीक है। तो बेसिकली ये PIL डाली किसमें, सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, ठीक है। अब किस लिए डाली, तो बेसिकली जब भी PIL डाली जाती है तो कभी ना कभी किसी को कुछ लगता है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके पहले कहानी समझते हैं, क्या समझते हैं, उसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा एक केस हुआ था, एक केस हुआ था, कौन सा केस हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक केस था, कौन सा था, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस, ये कहानी समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी कहानी से आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये जब केशवानंदा भारती केस हुआ, इसका जो जजमेंट आया था वो जजमेंट स्प्लिट था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस देते हैं, जो भी जजमेंट देते हैं वो एक साथ मिलके भी दे सकते हैं, अलग अलग सारे जजेस अपना अपना अलग अलग डिसीजन देते हैं, तो टोटल ये था 13 जज बेंच, कितना था 13 जज बेंच, 13 जज बैठे हुए थे इस केस की सुनवाई के लिए, और इन्होंने जब अपना जजमेंट दिया था तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो 7 और 6 के हिस्से में बटा, 7 और 6 के हिस्से में, मतलब जो 7 थे उन्होंने तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की तरफ हां बोल दिया, और अपोज में किसने डिसीजन दिया, तो अपोज में डिसीजन देने वाले थे ये 6। ये क्यों हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाला आप देखना वीडियो, उसमें मैंने बहुत क्लियरली इसके ऊपर काफी अच्छे से इसमें चर्चा की हुई है, इसका पूरा बैकग्राउंड बताया हुआ है। अभी आप सिर्फ ये समझें, ये केशवानंदा भारती केस जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था, सबसे बड़ा केस माना जाता है आज तक का, और हर जो भी पॉलिटिक बस पढ़ता है उसको ये केस रटा होता है, ठीक है। क्या थी इसकी डेट, इसकी डेट थी 1973, इवन लोगों को तो इसकी डेट भी याद होती है, 24th अप्रैल 1973 इसकी डेट थी, ठीक है, ध्यान रखना। 1973 में केशवानंदा जजमेंट आया, उसमें 7 जजेस ने गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि इस केस में यस बोला, और 6 जजेस ने अगर हम देखेंगे तो इन्होंने गवर्नमेंट जिस हिसाब से बोल रही थी उसी हिसाब से इन्होंने मान लिया, तो गवर्नमेंट के अपोज में कितने गए, टोटल 7 गए जिन्होंने ये केस जितवाया। हमारा जजमेंट आया 7-6 के स्प्लिट में आया, 7 जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, 6 जो गवर्नमेंट के साथ रहे। अब है क्या, जिस दिन ये जजमेंट आना था उसी दिन अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसके शायद लास्ट डे था या एक दो दिन बाद लास्ट डे था,
ठीक है, तो क्या होना था, इनको होना था रिटायर, रिटायर होना था। उस टाइम पे क्या प्रोसीजर चलता था, इससे पहले, इस जजमेंट से पहले, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किसको अपॉइंट करता था, जो भी सीनियर मोस्ट होता था उसको ऑटोमेटिकली अपॉइंट कर दिया जाता था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किसको, सीनियर मोस्ट को। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करता है, नहीं, किसकी मर्जी से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ये चीजें तो रट गई होंगी आपको, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट आएगा कि मैं अपॉइंट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और ये पूछेगा किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टाइम पे अगर आप देखो 1973 की बात चल रही है, 1973 में किसकी गवर्नमेंट चल रही है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जिस जिसने मेरे खिलाफ जजमेंट दिया है अब उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दूंगी। तो क्या हुआ, अब अगर देखें तो हमारी सीक्वेंस चलती है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, सभी जजेस के नाम नहीं बताऊंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी समझो, ये ई है, ये एफ है, इसमें ए सबसे सीनियर है, बी उसके बाद कम सीनियर है, सी कब उससे कम सीनियर है। तो ये सीनियरिटी वाइज मैंने लिस्ट लिख दी कि सबसे सीनियर कौन है, तो किसको बनना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो जज हैं उस टाइम पे, ये रिटायर हो रहे हैं, तो यहां पे जज सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशन तो यही था सीनियर मोस्ट बनेगा, यानी कि ए को बनना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, जो केशवानंद भारती केस आया था, इस ए ने गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया था, गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया था, तो इंदिरा गांधी गुस्सा थी, इसे नहीं बनाया। सेकंड की बारी आई, किसके बाद सेकंड सीनियर मोस्ट कौन बचा, बी। इसने भी क्या था, गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया था, यानी साथ में ये भी था, इसको भी नहीं बनाया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट के पास चलते हैं, नेक्स्ट में गए सी, सी ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया हुआ था, इसको भी नहीं बनाया। चौथा जो था, यानी कि डी जो था, इस चौथे को हमने बनाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 में। जो कन्वेंशन आ रहा था वो सारा तोड़ दिया। हुआ क्या कि इनका, यानी कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी में इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, किसके थ्रू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, किसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, जुडिशियरी में। अब जो हमने आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव की, इसका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने आके तीन जजेस को छोड़ा, चौथे जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ जजमेंट दी थी। तो क्या अगर ऐसा होता रहेगा तो हम कह पाएंगे कि फ्री और फेयर जजमेंट दी जाएगी, नहीं, तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही जजमेंट मिलेगा, तो जुडिशियरी रखने का फायदा क्या हुआ। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे ये तो हुआ ही हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट 1977 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और 1977 में भी एक सीनियर मोस्ट जज को छोड़कर दूसरे को बनाया गया, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक जरूरत महसूस हुई कि अब हमें जरूरत है रेगुलेट करने की अपॉइंटमेंट को, कि ये अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। ऐसे तो अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव आके जुडिशियरी में दखल अंदाजी करता रहेगा तो फ्री एंड फेयर जुडिशियरी की तो क्या हो जाएगी, फ्री एंड फेयर जुडिशियरी तो गड्ढे में घुस जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। और जब फ्री और फेयर जुडिशियरी नहीं है, फ्री तो बेसिकली हम बाद में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर फेयर जुडिशियरी नहीं है, जुडिशियरी बायस हो जाए, तो न्याय कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिल पाएगा, और जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे जस्ट पहले 1973 की अगर हम बात करें तो 1973 में आर्टिकल 50 था हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोला था।
कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत करो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले डीएम, तहसीलदार, इन सब के पास जुडिशियल पावर होती थी, 1973 में इसकी वजह से दोनों को अलग किया गया। अब डीएम सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर रखता है, जुडिशियल पावर के लिए जुडिशियरी को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, इसकी तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अच्छे से। तो क्या किया जाएगा, इसको रेगुलेट करने के लिए किसी न किसी की आंख तो खुलनी है, और जिसकी आंख खुलेगी वो क्या डालेगा, PIL डाल देगा। ठीक है, मैं सिर्फ PIL लिख रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट डे जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम PIL को डिटेल में पढ़ेंगे, ये होता क्या। ठीक है, अभी सिर्फ इसको एज ए PIL जान के रखो कि क्या होता है। ठीक है, तो PIL किसी ने डाली, ठीक है, और ये PIL जब डाली गई इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, कि ये जो अपॉइंटमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव का इतना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसको रेगुलेट करो ना कि कैसे अपॉइंटमेंट करना चाहिए, कैसे करो। तो इसने क्वेश्चन पूछ लिया PIL डाल के कि ये बताओ जो कंसल्टेशन आपने लिखा हुआ है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट जज तो बोल रहे हैं सीनियर मोस्ट को बनाओ, और आप अपनी मर्जी से चौथे को उठा के बना रहे हो, तो ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, ये बाइंडिंग है या नहीं है। तो फर्स्ट जज केस ने क्या बोला कि ये बाइंडिंग नहीं है। फर्स्ट जज केस ने बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना, कंसल्टेशन का मतलब बाइंडिंग नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कॉन्करेंस है। कॉन्करेंस मतलब कि वो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट आपसे सिर्फ पूछ रहा है तुम बताओ किसको बनाए, लेकिन बनाना तो उसी ने अपनी मर्जी से किसी को भी बनाए। तो फर्स्ट जज केस ने इसका यह मतलब निकाला कंसल्टेशन का। अब होता क्या है, कोई भी किसी सेंटेंस को पढ़ता है ना, सब अपने अपने अलग अलग मतलब निकालता है। अगर आप भी इसको अपने ध्यान अपने हिसाब से पढ़ो आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस, तो आप क्या मतलब निकालोगे सोच के देखो, और यहां इन्होंने क्या मतलब निकाला। ठीक है, तो इन्होंने इसका वर्ड का मीनिंग लिया है कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है, कि आप उनसे सिर्फ पूछने जा रहे हो, मैं इसको लगा रहा हूं, ठीक है, अब तुम जो बोलो हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, फर्स्ट जज केस। अब होगा क्या, जब ये केस हो गया तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कहां पे, जुडिशियरी में। तो बचाने किसी को आना पड़ेगा, तो बचाने कौन आएगा, तो बचाने के लिए हमारा केस होता है नेक्स्ट सेकंड जजेस केस। क्या होता है, सेकंड जजेस केस 1993 में होता है, और ये किसने किया, ये बेसिकली PIL किसने डाली थी, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो SP गुप्ता इनका नाम था। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए, वैसे पूछने के चांसेस कम है, SP गुप्ता वाली PIL थी। सेकंड केस जो हुआ ये सेकंड जजेस केस था, और इसमें केस किया किसने, स्कोरा ने। स्कोरा क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट के रोल में जितने एडवोकेट्स रिकॉर्डेड हैं, उन एडवोकेट्स ने मिलकर यह केस किया कि ये तो एग्जीक्यूटिव को ज्यादा ही इन्वॉल्व कर रही है जुडिशियरी में, बचाओ इसे। तो इसको बचाने के लिए सेकंड जजेस केस में जो दिया गया डिसीजन, तो उसमें बोला गया कि सीनियर मोस्ट जज है वो ही सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। क्लियर हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन सकता है, कि जो सीनियर मोस्ट जज है सिर्फ उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। क्लियर है, ये तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। बाकी जजेस के लिए क्या किया जाए, तो बाकी जजेस के लिए भी इसने बोला कि एडवाइस जो भी दिया जाएगा, ये जो कंसल्टेशन का मतलब है ना, यहां इसने कंसल्टेशन का मतलब लिया बाइंडिंग से, कि आप जुडिशियरी से जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हो, तो जो अपने घर के बारे में वो आपको बताएंगे, मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड, जो वो अपने घर के बारे में बताएंगे वो आपको मानना पड़ेगा, कि हमारे घर में ऐसे होना चाहिए तो आपको उसके घर में वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि जो भी एडवाइस दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, लेकिन इसमें एक सेफगार्ड दे दिया, क्या बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से एडवाइस नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, बोले अपने साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस से वो पूछेगा।
सीजीआई अपना विचार तो रखेगा ही रखेगा, अपने साथ साथ अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस से भी पूछेगा और तभी आपको एडवाइस करेगा। वो चीज जब वो उनसे पूछ के कर रहा है तो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, अब ये आपके पास बाइंडिंग हो जाएगी। और यहीं से हम कहते हैं क्या सिस्टम हुआ, कलीजियम सिस्टम चालू हो गया, कॉलेजियम सिस्टम चालू हो गया। क्लियर है, चीजें क्लियर है। क्यों हुआ ऐसा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियरी इज ए प्राइमल अफेयर, जुडिशियरी इज ए प्राइमल अफेयर, प्राइमल मतलब होम अफेयर, क्या बोला होम अफेयर, कि ये जुडिशियरी को अपॉइंट करने का मामला ये हमारे घर का मामला है और हमारे घर के मामले को हम खुद निपटाएंगे, आप बाहर से आके इसको मत निपटाने आओ, क्योंकि आर्टिकल 50 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशियरी। तो जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट चीज है, उसका अपना अलग घर है, उसको अपने घर के मामलों में खुद ही सुलझाने दो, आप बीच में मत पड़ो। कहां पे, सेकंड जजेस केस में। क्लियर है, कलीजियम सिस्टम डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ, कलीजियम सिस्टम डेवलप हुआ। कलीजियम सिस्टम क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके कोई डिसीजन देता है उसे बोलते हैं कलीजियम सिस्टम। अब हो गया क्या, ये चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, अब आगे कुछ केस आएगा और उस टाइम पे क्या होगा, जब भी इसको अपॉइंट करना होगा सीजीआई को, तो कलीजियम सिस्टम से पूछ के वो करना पड़ेगा। किसी भी जज को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट को किसी भी जज को अपॉइंट करना है यहाँ पे, तो कंसल्ट विद सीजीआई एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अदर जजेस को जब अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में जो दो जज बैठेंगे, इसको क्या बोला, कलीजियम सिस्टम। अब प्रेसिडेंट को थोड़ी सी दिक्कत हुई, प्रेसिडेंट बोला कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने जो कलीजियम सिस्टम बोला है इसका मतलब क्या है। 1998 में उसको थोड़ी सी डाउट हुई, वो अपॉइंट करने चला, शायद हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट कर रहा होगा या कुछ ऐसा चल रहा था जहां पे उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ और उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने बोला 1993 में कि हम कलीजियम सिस्टम से आपको बताएंगे और आपके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट को डाउट हुआ, के आर नारायण साहब थे, उनको डाउट हुआ कि ये कलीजियम सिस्टम है क्या, तो उन्होंने अपनी पावर को यूज किया। कौन सी पावर को यूज किया, उन्होंने अपनी जुडिशियल पावर को यूज किया। कौन सी पावर, आर्टिकल 143, कहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 143 का यूज किया। आर्टिकल 143 का यूज किसने किया, प्रेसिडेंट ने। क्या बोला 143 में, क्या होता है, एडवाइजरी जुडिशडिक्शन, क्या है ये, एडवाइजरी जुडिशडिक्शन। यहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में एडवाइस मांग सकता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए, जब प्रेसिडेंट पढ़ा तब भी हमने पढ़ा था कि जब भी सुप्रीम प्रेसिडेंट को कोई डाउट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में एडवाइस मांग सकता है अंडर आर्टिकल 143। क्लियर है, तो उसने क्या किया, यहां पे फर्स्ट जज पीआईएल था, सेकंड केस था स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाला आया एज एन आर्टिकल 143, जब प्रेसिडेंट ने पूछा है कि बताओ कलीजियम सिस्टम क्या होता है, और उसी को बोला जाता है थर्ड जजेस केस। क्या बोला जाता है, थर्ड जजेस केस, कब हुआ, 1998 में। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि कलीजियम सिस्टम क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उसके साथ चार सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, यहां मैंने शायद, हाँ यहां रहा, सीजीआई शुड कंसल्ट ए कलीजियम ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस, सीजीआई प्लस फोर सिस्टम, फोर सीनियर मोस्ट जजेस को ही हम कलीजियम बोलते हैं। तो इन्होंने यहां समझा दिया प्रेसिडेंट को कि हमारा कलीजियम सिस्टम ये होता है और यही यूज किया जाता है जब हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने हो। क्लियर है, चीजें क्लियर हुई, सुप्रीम कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस टू, हाई कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस फोर, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इतनी चीजें ध्यान, मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये आपका हाई कोर्ट के लिए हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, इतना चीजें ध्यान रखना इसमें। तो ये आपका इस तरीके से जज को अपॉइंट किया जाता है, तो क्या सिस्टम हुआ, कलीजियम सिस्टम। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रखना। अब उसके बाद फोर्थ जजेस केस होता है, ये क्या है, होगा क्या, पार्लियामेंट को ये बातें अच्छी नहीं लगी कि हमसे तुमको अपॉइंट करने की पावर कैसे छीन रहे हो, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट एक लॉ लेके आएगी,
और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी जज को अपॉइंट किया जाएगा तो हमारा भी हाथ उसमें रहेगा, हम भी बताएंगे किसको अपॉइंट करना है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने जजेस के साथ मिलकर नहीं बताएगा, हमारे बंदे भी बैठे होंगे वहां पे कलीजियम सिस्टम में, वो भी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अमेंडमेंट था, कौन सा था, 99th अमेंडमेंट था, इसको बोला जाता है NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बेसिकली बनाई गई थी, इसको नल एंड वाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में, लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेपरेट है। उसका वायलेशन हो रहा था यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव कुछ ज्यादा ही जुडिशियरी में घुस रहा था। क्लियर है? तो फोर जजेस केस। अब इसको समझें तो कैसे होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको किया जाता है? जो भी सीनियर मोस्ट हो। क्लियर है इतनी चीजें? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कैसे? CJI से पूछेगा, प्लस CJI के साथ साथ अगर हम देखें तो उसके जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनसे भी पूछेगा, ठीक है, प्लस सीनियर मोस्ट जजेस, यानी यहां पे अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, आपका कलीजियम सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये दोनों इस तरीके से किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इनसे पूछ के करेगा जरूर, अदर जजेस से, लेकिन लगाएगा सीनियर मोस्ट जज को, और जब बाकी जजेस को लगाना हो तो CJI से कंसल्ट करेगा, और CJI अपना कंसल्टेशन सिर्फ अपना नहीं देगा, अपने साथ दो चार जज को बैठाएगा, तब जाके प्रेसिडेंट को जवाब देगा कि इसको रिकमेंड कर रहे हैं हम, और इसका जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी होगा। क्यों? इसने बोला कि अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और हम जो ये दे रहे हैं, हमारा जो रिकमेंडेशन है वो दैट इज बाइंडिंग, ठीक है, और हम क्या दे रहे हैं उसको, जो कंसल्ट करके दे रहे हैं, ये हम उसको कंसल्टेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको सुझाव दे रहे हैं, नहीं, हम बता रहे हैं कि आपको ये करना है, और उसको करने के लिए प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है। तो प्रेसिडेंट का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तक निकालने में सीमित है, बाकी कौन जज बैठाना है कौन नहीं बैठाना है वो डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, CJI प्लस अदर जजेस के द्वारा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बहुत टाइम लेके समझाया, क्यों? क्योंकि आपको सारे जजेस के समझाने थे कि क्या थे क्या नहीं थे, तो इसीलिए। अब आगे थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि आपको जहां समझ में नहीं आएगा, मैं धीरे धीरे, मुझे पता है कहां डाउट हो सकता है, मैं वहीं पर रोक के थोड़ा सा आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस बनाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट जज रहा हो पिछले पांच साल लगातार हाई कोर्ट जज रहा हो, ऐसा नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट के जज का हो गया और पांच साल वहीं रहना, नहीं, पिछले पांच साल चाहे इस हाई कोर्ट में चाहे उस हाई कोर्ट में, सारे हाई कोर्ट का मिला के उसके पांच साल पूरे होने चाहिए हाई कोर्ट के जज के रूप में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे हम कहें कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसकी पोस्टिंग है, अगली बार उसकी दिल्ली में पोस्टिंग कर दी तो दिल्ली में उसको पांच साल पूरे करने जरूरी है, नहीं, दोनों का मिला के लगातार अगर कोई पीरियड पांच साल हो रहा है तो पांच साल उसका पीरियड ये पूरा होना चाहिए एज ए हाई कोर्ट जज, या फिर ये और है, एंड नहीं है, ठीक है। और अगर वो पांच साल जज नहीं है तो कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या तो 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। इसके अलावा एक कंडीशन और है, क्या है, कि प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है जुडिशियरी के मामले में, जूरिस्ट अगर हम कहें कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्टली। क्लियर है? ये ध्यान रखना, जब हम हाई कोर्ट के जजेस के लिए पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये नहीं आएगा, बाकी चीजें रहेंगी, ये नहीं रहेगा,
ठीक है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता है, इसीलिए इसको याद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी से उसकी नज़र में जो उसको लगता है कि ये बहुत पहुंचा हुआ, हम कह सकते हैं कि वो नॉलेज वाला बंदा है जुडिशरी के मामले में, इसको जज बना दे तो अच्छा काम करेगा, तो उसको वो अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टली। चीज़ें क्लियर हैं, आपको क्लियर हुई होंगी। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि मिनिमम एज कुछ नहीं बताई जाती। कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें चलती, या तो किसी की मिनिमम एज बताएंगे या किसी की मैक्सिमम एज बताएंगे, दोनों नहीं बताते। जिसकी मैक्सिमम बता दी उसकी मिनिमम नहीं बताएंगे, जिसकी मिनिमम बता दी उसकी मैक्सिमम नहीं बताएंगे। जैसे प्रेसिडेंट की बताई तो प्रेसिडेंट की क्या बताई कि मिनिमम 35 साल होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम कहीं देखी नहीं देखी होगी। लोकसभा की देखी, लोकसभा में क्या था कि मिनिमम 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम देखी नहीं देखी। ऐसे ही यहां पे मिनिमम कुछ नहीं बताया हुआ कि मिनिमम कितने साल का सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है, मिनिमम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हमें बताया गया मैक्सिमम कि मैक्सिमम वो कितने साल तक, 65 इयर्स तक जज रह सकता है, जब तक कि वो 65 साल का नहीं हो जाता तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। जहां मिनिमम नहीं है वहां मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है। तो यहां मिनिमम कुछ नहीं बताया गया तो मैक्सिमम बता दिया कि मैक्सिमम वो 65 साल तक जज रह सकता है। अब कोई भी जज बनता है तो ओथ तो लेनी पड़ेगी, शपथ तो लेनी पड़ेगी, और वो शपथ में कौन दिलाएगा, तो ध्यान रखना जो उसको अपॉइंट कर रहा है वही करेगा, प्रेसिडेंट ही उसको बेसिकली अगर हम कहें तो ओथ दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी जगह किसी ऑफिसर को भी, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पे कि मेरी जगह तू जाके ओथ दिला दे उसको, क्लियर। बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा दिया दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट नहीं है वो नहीं आ सकता तो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ही बताएगा कि मेरी जगह कौन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या क्या लेता है ओथ में, तो ओथ में क्या देखेगा, तो बेसिकली देखेंगे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, सेम थी एमपी की भी यही है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना है, उसको आंच नहीं आने देना है, एमपीज में भी सेम थी, बिल्कुल सेम थी। ये वाली थोड़ी सी अलग है कि जो भी जजमेंट दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज जो कोई भी जजमेंट दे रहा है तो उसको बिना फियर के, बिना फेवर का ध्यान रखते हुए कि मुझे आने वाले टाइम में इस जजमेंट से फायदा होगा ये होगा, नहीं, बिना डरे हुए, बिना किसी लालच में आए हुए, बिना किसी अफेक्शन के और बिना किसी इल विल के देना है। यानी आपके दिमाग में कुछ खुराफात ना चल रही हो जजमेंट देते हुए कि चलो ठीक है इसका मजा लेके देखते हैं, ना, बिना इल विल के, बिना अफेक्शन के, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो हमारे गांव के पास के हैं चलो इनके लिए, इनके लिए दे देते हैं, अफेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई फेवर, कोई लालच नहीं होना चाहिए जब भी आप जजमेंट दे रहे हो, ये लालच नहीं होना चाहिए चलो यार मेरे तो 4-5 महीने बचे हैं जज के लिए, अभी मैं इसको जजमेंट दे देता हूँ, हो सकता है बाद में आने के बाद मुझे कहीं अच्छी जगह रख ले, ना, कोई फेवर का उसको नहीं रखना है। और किसी से डर के नहीं देना, ये नहीं देखना है कि सामने वाला एमपी है, एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ना, किसी से नहीं डरना, क्लियर है। और इतनी उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो ये मेंटेन कर सके, इसीलिए उनको इतनी हाई पोस्ट पर रखा गया है ताकि वो किसी से डरे नहीं, किसी का लालच ना हो, किसी से अफेक्टेड ना हो, कोई इलविल ना हो, क्लियर है, चीजें होनी चाहिए क्लियर। उसके बाद चौथी है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को अपहोल्ड करना भी इनकी जिम्मेवारी है, इसकी भी शपथ लेते हैं, तो ये इनके द्वारा ओथ ली जाती है। टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक के लिए अगर कोई जज अपॉइंट किया गया है तो कितने साल के लिए होता है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो कोई भी टेन्योर इनके लिए फिक्स नहीं किया गया है। क्या किया गया है, सिर्फ बोला गया है कि 65 साल के जब तक नहीं हो जाते तब तक रह सकते हो, चाहे वो 20 साल का लग गया हो, चाहे 30 साल का लग गया, चाहे 40 साल का लग गया, कितना भी लग गया, जब तक 65 का नहीं हो जाता तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। दूसरी चीज, वो तब तक रह सकता है जब तक खुद रेजिग्नेशन ना दे दे। रेजिग्नेशन किसे दिया जाता है, जनरली या तो आपका कोई स्टैंड बाय हो या फिर जो आपका अपॉइंट करने वाला हो, इन्हीं दो लोग में से एक को देते हैं। तो यहां पे किसको देंगे, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया है, यानी कि प्रेसिडेंट को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं।
किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, क्लियर है? या फिर उसको रिमूव ना किया गया हो बाय प्रेसिडेंट। कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, किसके कहने पे? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। इसका रिमूवल का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि तीन कंडीशन है, 65 साल का हो जाए तो हटा देंगे, रेजिग्नेशन दे दो तो अपने आप ही कह दिया कि मैं हट रहा हूं, और या फिर पार्लियामेंट अप्रूव करे कि हमें इसको हटाना है और उसको फिर प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर हटा सकता है। क्लियर है? ये तीन चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसका रिमूवल का प्रोसीजर देखते हैं। बहुत आसान है अगर आप इसे समझेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जब भी रिमूवल लाना, तो हमें कंडीशन पता होनी थी कि किस बेसिस पे रिमूवल लाया जाता है। प्रेसिडेंट की हमने क्या कंडीशन देखी थी? प्रेसिडेंट को हम किस बात पे रिमूव कर सकते हैं? सिर्फ एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए क्या कंडीशन थी? तो आप बताएंगे कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक कंडीशन थी। सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। या तो मिसबिहेवियर हो जो कि प्रूव किया गया हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी यानी कि अब वो इनकैपेबल हो गया है, कैपेबिलिटी उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो जजमेंट ढंग से दे सके। किसी भी जजमेंट के लिए अगर वो इनकैपेबल हो जाए, या फिर या हम कह सकते हैं कि जजमेंट देने के लिए इनकैपेबल हो जाए, या फिर मिसबिहेवियर के केस में उनको रिमूव किया जा सकता। कितने केस हुए? दो ग्राउंड्स हैं सिर्फ, प्रेसिडेंट का एक था, इनके दो। ध्यान रखना इन चीजों को, क्या क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना। तरीका क्या है? कि सबसे पहले तो इनको रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? या तो लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, कहीं भी लाया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट का कहीं भी लाया जा सकता है, इसका भी कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन जिस हाउस में ला रहे हैं उसी हाउस के, अगर लोकसभा में ला रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है, तो 100 मेंबर उस मोशन पे साइन करेंगे। लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 मेंबर साइन करेंगे, और राज्यसभा में ला रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ आधी है तो इसको भी आधा कर देंगे, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 मेंबर उस मोशन पर साइन करेंगे। जहां पे भी जितने भी एमपीज हैं वो साइन करके किसको देंगे? अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को देंगे, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन को देंगे। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। देखना कितना हार्ड है इसको रिमूव करना। पहला तो ये है कि इतने बंदे चाहिए, साइन करके जब स्पीकर को देंगे तभी आगे कुछ होगा, और उसके बाद जब ये स्पीकर या चेयरमैन के पास आता है, जब भी ये मोशन स्पीकर या चेयरमैन के पास आएगा, अब सेकंड कंडीशन ये लगाएंगे, अब इनकी मर्जी है कि ये चाहें तो उस रिजोल्यूशन को वहीं फाड़ दें, इन द सेंस कोई भी एक्शन ना लें, और ये चाहें तो एक्शन ले लें। समझे? पहली तो कंडीशन ये होगी कि कम से कम इतने मेंबर इकट्ठे करो। दूसरा क्या आ गया? दूसरा भी हमने एक कहेंगे कि एक कंडीशन लगा दी कि अब स्पीकर और चेयरमैन की मर्जी है, वो चाहें तो इससे इस मोशन को लेके आगे बढ़ें, ना चाहें तो ना बढ़ें। क्लियर है? तो सेकंड इनकी मर्जी होगी, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरा चलते हैं कि मान लो इन्होंने बोला चलो ठीक है हम कंसीडर कर लेते हैं, इस मोशन को लेके आगे चलते हैं, तो इन्होंने यस बोल दिया उस मोशन के लिए कि हम इसको लेके आगे चलेंगे, तो जो भी फर्स्ट हाउस होगा उस फर्स्ट हाउस में क्या होगा? एक कमेटी बैठाई जाएगी। उस मोशन को पार्लियामेंट में कंसीडर कराने से पहले एक कमेटी बैठाएंगे, और उस कमेटी को बेसिकली हम कहेंगे 3-member कमेटी हम बैठाते हैं। किस चीज के लिए? कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, या तो ये चार्ज लगाया होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर का, या फिर चार्ज लगाया होगा इनकैपेसिटी का, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 100 मेंबर ऐसे ही जबरदस्ती उठ के आ गए हैं और उन्होंने ऐसे बोल दिया, नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इन 3 मेंबर्स के द्वारा।
तीन मेंबर की कमेटी कौन बनाएगा, जो भी चेयरमैन या फिर स्पीकर होगा, और इनमें तीनों में कौन से मेंबर होंगे, अगर उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियरी में हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो तीन मेंबर बनाए ना, ये तीन मेंबर जो बनाए हैं, ये तीन में से दो तो जुडिशियरी के खुद के मेंबर होते हैं। पहला, अगर आप देखोगे कि अगर कोई जज है तो उसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो कोई और सुप्रीम कोर्ट जज, तो पहला तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को बुलाएंगे, एक मेंबर वो हो गया। दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी जुडिशियरी का मेंबर, ये भी जुडिशियरी का मेंबर। हो सकता है कि इस हाउस का मेंबर है और ये हाउस वाले में से किसी को बुलाएं तो वो बायस हो उसके खिलाफ, नहीं हम हाई कोर्ट से भी एक को बुलाते हैं ताकि उसको तो पता होगा ना उसके बारे में, और वो बायस होगा नहीं इतनी जल्दी, पता नहीं किस हाई कोर्ट से बुला लें, तो हाई कोर्ट का भी एक मेंबर रहेगा, हाई कोर्ट की जुडिशियरी से भी एक मेंबर होता है। और तीसरा मेंबर होगा कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कोई भी जाना माना जूरिस्ट, ठीक है। ये तीन मेंबर की कमेटी होती है। अब यहां पे एक्चुअल में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। अगर इन्होंने बोला सही नहीं है चार्जेस तो वहीं खत्म हो जाता है, मोशन आगे चलेगा ही नहीं। अगर बोला सही है, अगर बोला कि सही है, तो उस टाइम पे फिर आगे जाएंगे और उसके बाद इस मोशन को अगर एडमिट कर लिया तो इसको फिर पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से विद स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान रखना, विद स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर हम कहें तो कौन सी मेजॉरिटी है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% मिनिमम वोट चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के, 50% वोट चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के। मेजॉरिटी में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी वाला चैप्टर आप देख के आए, उसको हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज को विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल कि इतनी स्ट्रेंथ है तो इतने से हो जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ है तो इतने हो जाएगा, वो हमने डिटेल में किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है मेजॉरिटी को समझने के लिए, तो मेजॉरिटी के लिए हमने एक अलग सेशन किया हुआ है, तो मेजॉरिटी वहां पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया? अब मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से हम इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद सेकंड हाउस भी उसको स्पेशल मेजॉरिटी से क्लियर करेगा, और जब दोनों ही कर दें उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद रिमूवल का ऑर्डर निकालेगा और उस ऑर्डर से उसको हटाया जा सकता है। देखा कितना मुश्किल था पूरा प्रोसीजर। अब क्वेश्चन आता है कि यह पूरा प्रोसीजर लिखा कहां हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया एक बार कि सब पढ़ के चले जाते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, सब पढ़ के जा रहे हैं प्रोसीजर क्या होता है, लिखा कहां है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। समझ में आया प्रोसीजर? इसमें जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी यहां से लेके यहां तक, इसमें एक सेफगार्ड और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जिस सेशन में आप ये मोशन लेके आ रहे हो, जिस भी सेशन में ये आप मोशन लेके आ रहे हो, तीन सेशन बताए थे, बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून, विंटर, या और कोई अपनी मर्जी से नया सेशन भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी के ऊपर है सारा। जिस सेशन में ये मोशन लाए हो, यहां तक प्रेसिडेंट तक इसका पूरा होना उसी सेशन में जरूरी है। ये सारी चीजें सिंगल सेशन में होनी चाहिए तभी ये वैलिड मानी जाएंगी, नहीं तो नहीं। ये सेफगार्ड भी इसी में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लाके चले गए और उसके बाद रेस्ट कर रहे हैं, अगले सेशन में देखेंगे, ना, अगले सेशन में फिर से ऐसे हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर सेम सेशन में, सिंगल सेशन में होना बहुत जरूरी है और इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? मुश्किल पार्ट हम कर चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मुश्किल पार्ट था हम कर चुके हैं। दो ही चीजें, अपॉइंटमेंट और रिमूवल, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, तो अपॉइंटमेंट का भी आपको पता लग गया होगा कि सीजीआई कौन बनेगा, सीनियर मोस्ट,
कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा। अदर जजेस को कौन करेगा? तो अदर जजेस को सीजीआई प्लस अदर जजेस, सीजीआई प्लस जजेस, ठीक है, टू भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में अलग अलग हैं। और उसके बाद कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये मिलके जो है इसको बताएंगे किसको करना है, वो उसको कर देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल में क्या है कि पहले एक मोशन लाया जाएगा, मोशन को अगर लोकसभा में करना है तो 100 मेंबर उस पर साइन करेंगे, राज्यसभा में करना है 50 मेंबर करेंगे। उसके बाद उस मोशन को किसको दे देंगे? स्पीकर को या चेयरमैन को। अब स्पीकर और चेयरमैन की मर्जी है, मे एडमिट, या तो चाहे एडमिट कर ले या फिर रिफ्यूज कर दे। रिफ्यूज भी कर सकते हैं उसको एडमिट करने से। मान लो एडमिट कर लिया, उसके बाद ये कमेटी बनाएंगे, 3 मेंबर कमेटी। कमेटी में कौन होंगे? तीनों जुडिशियल मेंबर। कौन कौन से? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या फिर हाई कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा एमिनेंट जुरिस्ट। एमिनेंट जुरिस्ट या जिसको हम बोलेंगे डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, ठीक है। ये बताएंगे कि जो दो ग्राउंड थे कौन कौन से, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दोनों में से जो भी चार्ज लगाया है अगर वो वैलिड है तो ये बोलेंगे वैलिड है। अब स्पीकर उसको क्या करेगा? एडमिट करेगा। और एडमिट कर लिया तो उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इतने वोट आने चाहिए। और यहां से क्लियर हो जाएगा सेकंड हाउस भी स्पेशल मेजॉरिटी, और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल देगा रिमूवल के। ये प्रोसीजर है रिमूवल का, बात खत्म। ये रिमूवल का प्रोसीजर बार बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैक्सिमम जगह पे आपको यही प्रोसीजर दिखाई देगा रिमूवल का। तो वहां मैं इस प्रोसीजर को रिपीट नहीं करूंगा, एक बार बताया है, वहां सिर्फ यही बोलूंगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे इसको हटाया जाता है। बार बार मैं यही बात रिपीट करूंगा, इसलिए ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अब उसके बाद सैलरी एंड अलाउंस की बात करते हैं, सैलरी एंड अलाउंस की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें याद कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको साथ साथ पढ़ना भी सिखा रहा हूँ कि बाई चांस आपको फ्यूचर में पढ़ना पड़े ये सारी चीजें, आपको दोबारा मेरी जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका अगर पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप इजीली पॉलिटी को समझ सकते हैं। पॉलिटी बहुत लॉजिकली एक कम कह सकते हैं अरेंज्ड एक वो बुक है, और उस लॉजिक को हमें समझना है बस। अब सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, तो सैलरी और अलाउंस कौन डिटरमाइन करेगा? तो ध्यान रखना, इनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरी, अलाउंस, पेंशन, जो भी इनका ऑफिस का खर्चा है, सारा पार्लियामेंट के द्वारा इनका वो किया जाता है। और ये जो भी हम कहें कि जो इसका जो सैलरी या पेंशन होता है, ये हमेशा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आते हैं। किसमें आएंगे? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आते हैं ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर है? एक कंडीशन दी हुई है, क्यों? क्योंकि हमने बोला था ओथ लेते टाइम कि ये किसी का फेवर ना करें, किसी से डरे ना, बोला था, ओथ ली थी इन्होंने नहीं डरने की। अगर पार्लियामेंट के हाथ में इनकी पेमेंट है, अगर घटा दिया तो उस चीज का डर नहीं होना चाहिएगा कि बाई चांस फ्यूचर में कभी मान लो हमने इनके खिलाफ दिया कुछ डिसीजन और इन्होंने हमारी पेमेंट घटा दी, तो ये डर नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसी डर से बचाने के लिए हमने क्या लिखा, दिस पेमेंट कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या मतलब है? कि एक बार जो आपने उसकी पेमेंट डिसाइड कर दी और उस पेमेंट पे अगर आपने उसको अपॉइंट कर लिया है, उसके बाद आने वाले सालों में आप उससे कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जो जिस पेमेंट पे आपने उसको अपॉइंट किया है उससे कम नहीं की जा सकती है, सिर्फ बढ़ाई जा सकती है। कम की जा सकती है तो सिर्फ एक कंडीशन में, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, अदरवाइज उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है,
इनको यहाँ पे सिक्योरिटी दे दी है। अब ध्यान रखना, जितने भी अगर हम देखें जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पेंशन भी मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है? जितनी भी उनकी लास्ट पे होती है उसकी 50% के अराउंड इन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, मंथली पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। इतनी चीजें क्लियर है, आपको क्लियर होंगी। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर से जुड़ते हैं। एक हाँ, तो उसके आगे देखते हैं जो जजेस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं, उसके अलावा भी कई बार जजेस की जरूरत पड़ती है, अलग अलग जजेस की जरूरत पड़ती है। इनके नाम को समझना और समझना उनका पर्पज क्या है, नाम को देखना और पर्पज समझना, बस ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम समझो, पर्पज समझो, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो क्वेश्चन में आपको उलझाया जा सकता है इनमें। कैसे समझते हैं देखते हैं। जब मैं बोलता हूं एक्टिंग जज, जब मैं बोलता हूं एक्टिंग जज, कहीं पे भी जब मैंने बोला एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बना? जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस केस में उसकी जगह जो काम करने आएगा उसको बोलेंगे हम एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट की तरह काम करता क्या बोलते हैं उसे? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान करना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपनी कुर्सी पे नहीं है, उसकी जगह पे टेम्परेरीली अगर हम किसी को बैठा दें उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिंग चीफ जस्टिस। ध्यान करना और याद रखना कि यहां पे मैंने एक्टिंग जज नहीं लिखा है, एक्टिंग जज नहीं लिखा है, एक्टिंग जज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने देखा कि 33+1 टोटल वो हैं जजेस हैं, तो यहां 33 में से एक आधा एब्सेंट हो भी जाए 32 हैं काम करने के लिए, सिर्फ एक अगर एब्सेंट हो जाए यानी कि ये एब्सेंट हो जाए, इसकी जगह स्पेशली हमें इनमें से किसी को बैठाना पड़ता है। ये तो आपस में एक दूसरे की कुर्सी पर बैठ जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जब एब्सेंट हो रहा है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट होता है तो उसको स्पेशली हमें बोल के बैठाना पड़ता है कि आज वो नहीं है उसकी जगह पे काम कर लो, एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप काम कर लो। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट के लिए, हेड की पोस्ट के लिए होता है हमेशा एक्टिंग, हेड की पोस्ट के लिए होगा एक्टिंग, या फिर कोई एक स्पेशल पोस्ट होगी जहां पे सिर्फ एक 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 बंदा काम कर सकता है, अगर वो एब्सेंट है तो उसकी जगह पे बैठाया जा सकता है एक्टिंग। अब ये तो उसके अलावा 32 तो सब इक्वल हैं, ये तो सब इक्वल हैं, ये एक दूसरे की जगह काम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे कौन काम कर सकता है? सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है, लेकिन इनमें से किसी का अपॉइंटमेंट तो किया नहीं हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, तो अपॉइंटमेंट नहीं किया होता तो उस टाइम पे उनको टेम्परेरीली जितने दिन के लिए वो एब्सेंट है उतने दिन के लिए हम बनाते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ध्यान करना यहाँ एक्टिंग जज नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि जब मैं स्लाइड बना रहा था पहले मेरे से भी बाय मिस्टेक वो टाइप करते करते एक्टिंग जज लिखा गया था, तो इसीलिए ध्यान रखना ये मैंने स्पेशली एक्टिंग चीफ जस्टिस लिखा है, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ध्यान रखना, चीफ जस्टिस की जगह पे कोई है तो कौन अपॉइंट कर सकता है? कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि इनका हेड नहीं है और हेड को अपॉइंट करने के लिए इनके ऊपर वाला कोई चाहिए, और इनके ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। जिसको अपॉइंट करना उसके ऊपर कोई होना चाहिए, तो इनके ऊपर तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा किसको? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किन केस में? तीन केसेस में। पहला कि वो सीट खाली हो गई हो यानी वैकेंट हो गई हो। वैकेंट किस किस केस में हो सकती है? या तो रिजाइन कर दिया हो, डेथ हो गई हो, या फिर उसको रिमूव कर दिया गया हो। रिजाइन, रिमूवल, डेथ, यही सबका है वैकेंसी का, कई बार बता चुका हूं मैं। और उसके बाद दूसरा है या तो वो टेम्परेरीली एब्सेंट हो,
कि कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, एब्सेंट है, कौन करेगा? किसी को एक्टिंग बनाना पड़ेगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, बीमार हो गया हो या किसी भी कारण से वो ड्यूटी पे नहीं आ पा रहा, उस टाइम पे भी हम किसी ना किसी जज को, किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हम एक्टिंग बनाते हैं। ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ही एक को बनाया जाता है, क्लियर है? ये होता है एक्टिंग जज, ध्यान रखना। सेकंड है एडहॉक जज। इस चीज को कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, सब इसमें जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है? इस चीज को समझने की जरूरत होती है कि एक्टिंग की कब जरूरत है, एडहॉक की कब जरूरत है, ठीक है? एडहॉक क्या है? एडहॉक किस लिए चाहिए? एडहॉक कमेटी किस लिए बनाई थी? स्पेशल पर्पज के लिए। कमेटी हमने दो बनाई थी, स्टैंडिंग और एडहॉक, याद हो तो। एडहॉक किस लिए बनाई जाती है? स्पेशल पर्पज के लिए, टेम्परेरी बनाई जाती है, पर्पज खत्म वो भी खत्म। तो ऐसे ही यहां पे भी एडहॉक जज किस लिए लाएंगे? कि जब कोई स्पेशल पर्पज है, उस टाइम पे जजेस की कमी पड़ रही है। क्या हुआ है कि जब भी कोरम नहीं बन पा रहा है, ध्यान रखना, कोरम यानी कि मिनिमम जजेस जो चाहिए किसी जज को डिलीवर करने के लिए, हमारे पास उतने जज भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा जजेस चाहिए होते हैं, तो उन जजेस के लिए हम क्या लेके आते हैं? एडहॉक जज लेके आते हैं, एडहॉक जज लेके आते हैं, टेम्परेरी जज लेके आते हैं, कि जब तक हमारे नहीं आ जाते तब तक तुम्हें बुला लेते हैं, ठीक है? जब भी लैक ऑफ कोरम हो, जब भी लैक ऑफ कोरम हो यानी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा हो, किसी जजमेंट के लिए मिनिमम जितने जज चाहिए वो पूरे नहीं हो पा रहे हो, तो उस केस में हम लेके आते हैं एडहॉक जज। और इसको कौन अपॉइंट कर सकता है? ध्यान करना कि अभी हमारे पास सभी जजेस में सीनियर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये अवेलेबल है, और जब ये अवेलेबल होगा तो ये ही अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा एडहॉक जजेस को, क्लियर है? कौन किसको करता है? लॉजिक के साथ समझ में आया कि इसको प्रेसिडेंट ने क्यों किया और इसको इसने क्यों किया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी ये अपॉइंट करेगा, जब भी ये अपॉइंट करेगा तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट से परमिशन ले लेता है, पहले से ही एक परमिशन लेके रख लेगा कि हमें इसको अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट से परमिशन आएगी, अपॉइंट यही करेगा। परमिशन क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनको लगाने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, जब उससे बिना पूछे लगाया जा रहा है तो एक बार परमिशन लेने में क्या जा रहा है, इसीलिए एक परमिशन जरूर ले लेगा। और कहां से लगाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस हैं नहीं, तो उन जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हैं, यानी कि या तो 5 साल उसे हाई कोर्ट में जज में रहते हुए हो गए हो, या फिर क्या क्या कंडीशन थी हमने देखी थी, तो उनमें से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ऑलरेडी, जो हाई कोर्ट के जज हैं जिनको 5 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी कि जो पूरी क्वालिफिकेशन है उनकी एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, उनमें से जजेस को, उनमें से किसी एक जज को या दो जज को, या जितने भी जज चाहिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, एज एन एडहॉक जज। कहां से उठा के ला रहे हैं? हाई कोर्ट जजेस से उठा के ला रहे हैं, क्लियर है? तो जब भी किसी के घर से किसी को उठा के ला रहे हो तो उसके घर के मालिक की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए है। तो यहां पे हम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे भी कंसल्ट करेंगे, क्लियर है? एडहॉक जज जब कोरम नहीं है यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए चाहिए, कहां से? जो भी उसके काबिल है बनने के लिए, कहां मिलेगा? हाई कोर्ट जज में। तो हाई कोर्ट जज जो होंगे उनमें से अपॉइंट किया जाएगा। तो किस किस से पूछेंगे? पहला तो उसके घर के मालिक से, कौन है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उससे कंसल्ट करेंगे। दूसरा कि अपॉइंटमेंट एक्चुअल में कौन कर सकता था, कौन कर सकता था? प्रेसिडेंट कर सकता था। तो इससे भी हम प्रीवियस कंसेंट लेंगे, पहले से परमिशन लेंगे। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखना। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, तभी हम उसको करेंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट जज की तरह काम करेगा, जब किसी भी जज को एडहॉक जज बना दिया जाएगा, वहां पे बैठा दिया जाएगा, जब वो उस पोस्ट पे बैठा है तो उस पोस्ट की सारी पावर, सारे प्रिविलेजेस, सारे जुरिसडिक्शन उसको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अभी भी हाई कोर्ट के जज के बराबर ही पावर रहेगी, नहीं, पावर उसकी उतनी हो जाएगी जब उसके बराबर काम करेगा, तो उसके लिए काम करेगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक हम देखते हैं रिटायर्ड जजेस को। रिटायर्ड जजेस का मतलब क्या है? कि जो रिटायर हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं उनको भी काम करने के लिए बुलाया जा सकता है जब भी वर्कलोड ज्यादा हो।
कौन बुला सकता है, कौन बुला सकता है? मैंने बताया था कि हेड अवेलेबल हो तो वो ही बुलाएगा। हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बुला सकता है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता था, उसको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। कब? जब भी वर्कलोड इनको लगता है ज्यादा है या फिर इनको एक्स्ट्रा जजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे रिटायर वाले को बुला सकते हैं। क्लियर है? यहां पे भी कौन लगा सकता है जजेस को? प्रेसिडेंट लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट होना जरूरी है। प्लस जो रिटायर हो गया है, अब उसके लिए मैंडेटरी नहीं है सीजीआई की बात मानना कि हम जाके उसने बोला है तो हम वहां ड्यूटी करने जाएंगे, नहीं, वो रिटायर हो गया है, तो उस टाइम पे उसकी भी परमिशन चाहिए, उस बंदे की खुद की भी परमिशन चाहिए जो रिटायर हुआ है, कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, और उसको भी परमिशन ली जाएगी। उस पर्सन की भी हम कहेंगे कि उसकी भी कंसेंट चाहिए, उसकी भी रजामंदी चाहिए, और किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की चाहिए। क्लियर है? इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। और जो भी ऐसा जज अपॉइंट किया जाएगा उसको पेमेंट कितनी मिलेगी? जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ध्यान रखना, सभी जगह मैंने लिखा था कि जितना पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, यहाँ पे जजेस के लिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसके पीछे भी रीजन है कि पार्लियामेंट का क्यों रोल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम मानते हैं न्यूट्रल। क्या मानते हैं? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? कि इसका लेजिस्लेटिव में उतना ही हाथ है जितना एग्जीक्यूटिव में हाथ है और जितना जुडिशियरी में हाथ है। ये तीनों के ऊपर बैठा हुआ है, ये तीनों के ऊपर बैठा हुआ है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए सिर्फ इसको परमिशन देते हैं हम जुडिशियरी में हाथ डालने की, और किसी को नहीं देते। समझ में आया? तो ये यहां पे भी इनकी पेमेंट कौन डिसाइड करेगा? जो रिटायर्ड जज हो गए हैं लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट जज काम कर रहे हैं, तो उनका भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितनी होनी चाहिए। एक चीज बता चुका हूं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, ठीक है? किसकी मर्जी से करता है? तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा अभी तक किसका मैं नाम लेना चाहता हूं। एंजॉय ऑल द ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जब वो एज ए सुप्रीम कोर्ट जज काम करेगा, कोई भी रिटायर्ड जज, तो उसको सारी पावर मिलेंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट जज की होती है। वही कहानी है। कुछ और प्रोविजन क्या क्या है, और प्रोविजन क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ लगता है? सिर्फ दिल्ली में लगता है। फिलहाल कहाँ लगता है? सिर्फ दिल्ली में लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ दिल्ली का लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ लिखा हुआ है कि एक सीट है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया हुआ है, इसको ऑथराइज किया हुआ, इसको परमिशन दी हुई है, अगर ये चाहे तो कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट की सीट बना सकता है, टू अपॉइंट अदर प्लेसेस एज सुप्रीम कोर्ट सीट। होता क्या है कि पूरे इंडिया से लोग जाते हैं दिल्ली में जजमेंट के लिए। अब यहां वाले को यहां जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यहां वाले को यहां जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो यहां एक सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, यहां पे भी एक सीट रख सकता है, अलग अलग जजेस को बैठा दे वहां। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये जो प्रोविजन है सीजीआई की मर्जी का, ये प्रोविजनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये अगर वो चाहे तो ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है? और जब भी ऐसा कुछ करना हो तो किससे परमिशन चाहिए होगी? किससे परमिशन चाहिए होगी? सभी समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट से चाहिए होगी, क्योंकि सारा दखल अंदाजी किसकी होती है? सिर्फ प्रेसिडेंट की। पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट में कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक ही जगह रोल आता है, कहां? रिमूवल में, और कोई रोल नहीं, ठीक है? ध्यान रखना। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के जो प्रोसीजर है वो कैसे होते हैं, कौन बनाएगा? मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो घर के रूल कौन बनाएगा? इनके घर के रूल कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा। सभी जुडिशियरी के रूल सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है, लेकिन अप्रूवल किससे लेगा? किससे लेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया, लेकिन बनाएगा खुद ही सारे रूल, ठीक है? फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ ए कोर्ट। जो भी प्रोसीजर है कोर्ट के, उसके रूल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाएगा, सिर्फ उसके पास अप्रूवल के लिए भेज देगा, ये हमने रूल बना लिया, अप्रूव कर दो, बात खत्म।
कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। ये चीजें मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं और आज फिर से एक बार समझा देता हूं कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस आ जाए, ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर ऐसा केस जहां पे आर्टिकल 143 इन्वॉल्व्ड है, आर्टिकल 143 यानी कि प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इन दो केसेस में मिनिमम जो जज की रिक्वायरमेंट है वो 5 है। जब तक कम से कम 5 जज नहीं बैठेंगे तब तक इन चीजों को डिसाइड नहीं किया जा सकता, उससे कम जज इन चीजों को डिसाइड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कोई पूछ रहा है मिनिमम 5 जज चाहिए, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल केस है मिनिमम 5 जज चाहिए, उसके अलावा अगर सिविल केस है क्रिमिनल केस है तो वो सिंगल जज से भी हो सकते हैं, 3 जजेस से भी हो सकते हैं, 5 जजेस से भी हो सकते हैं, उससे कम में भी हो सकते हैं। ध्यान रखना मैंने 2 और 4 नहीं लिखा है, नहीं होते क्योंकि इवन नंबर पे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब ये 5 जजेस कोई डिसीजन दे रहे हैं ना, इनमें हर पांचों जजेस का अलग अलग डिसीजन आता है, कोई यस बोल सकता है कोई नो बोल सकता है। अगर मैं इसको 6 कर दूं और 3-3 ने यस बोल दिया 3 ने नो बोल दिया तो क्या डिसीजन मानेंगे? मान ही नहीं सकते। ताकि किसी भी चीज पे क्लियर डिवीजन रहे इसीलिए हमने यहाँ पे ऑड नंबर रखे हुए हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस हिसाब से चलता है ताकि हमें पता लगता रहे कि इसमें हाँ करना है या ना करना है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑड नंबर रखे हुए हैं, 1 और 3 नॉर्मल केसेस के लिए, 5 मिनिमम चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल केस लड़ने के लिए और आर्टिकल 143 से डील करने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रहनी चाहिए। जजमेंट आर डिलीवर्ड बाय ओपन कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कार्यवाही भी सारी ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, नहीं। लेकिन जब पूरी कार्रवाई हो गई है, पूरी कार्रवाई हो गई है जज की, लास्ट में लास्ट डे में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट देना है, उस जजमेंट के वाले दिन ओपन कोर्ट, वो जजमेंट जो है ओपन कोर्ट में दिया जाना चाहिए ताकि सबको उसके बारे में पता लग सके। वो ओपन कोर्ट में दे सकते हैं, कार्रवाई का कहीं नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि प्रोसीजर सारा ओपन कोर्ट में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट की लिखी हुई है। तो इसको पढ़ना सीखो कि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जजमेंट की बात है, कार्यवाही की नहीं की है। ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजोरिटी वोट, सब मेजोरिटी वोट से होती है, ठीक है। 3 जजेज हैं तो जिसमें 2 बोलेंगे वही माना जाएगा, 5 है तो जिसमें 3 बोलेंगे वो माना जाएगा, 7 है तो जिसमें कम से कम 4 जो बोलेंगे वो माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इनका इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है, क्योंकि इनको विदाउट फियर विदाउट फेवर विदाउट अफेक्शन विदाउट इलविल काम करना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले देखिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बताएगा किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, प्रेसिडेंट तो बस उस पर ठप्पा लगा के देता है। क्लियर है? आजकल इसका बड़ा इश्यू चल रहा है। क्या इश्यू चल रहा है? कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हमने इतने सारे नाम आपको रिकमेंड किए हुए हैं, आप उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो इनकी रिकमेंडेशन के बिना अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन कब करें ये उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है प्रेसिडेंट की, कब उस पर ठप्पा लगाए। हालांकि प्रेसिडेंट की डायरेक्ट नहीं होती है, हम बोलते प्रेसिडेंट की जरूर है, किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ ये देखता है सारे केसेस जितने भी इससे रिलेटेड है। जहां पे भी प्रेसिडेंट का नाम ले रहा हूं वहां पे इसकी मर्जी चलती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ ये कैबिनेट में देगा और वो कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। ऐसे काम चलता है बेसिकली, अगर बैकग्राउंड में बात करूं तो ये ऐसे चलता है काम, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं, तो ध्यान रखना अभी ये इशू चल रहा है जहां पे मैंने बोला मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट की चलती है, चलती है, वो ही बताएगा किसको अपॉइंट करना है, लेकिन कब अपॉइंट वो करना है वो तो उनकी मर्जी चली, उन्होंने अभी तक अपॉइंट ही नहीं किया हुआ। पता नहीं कितनों के नाम, शायद कुछ 600 या 900 के अराउंड इन्होंने बोला था कि हमने नाम भेजे हुए हैं, इतनी वैकेंसी हो रखी है, अपॉइंट किया ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफेरेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन फॉर
राइटिंग पर्पस या फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ध्यान रखना मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में ज्यादा रोल नहीं है। किसको करना है सिर्फ ये बता सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में हमने बताया रिमूवल इनका कितना मुश्किल है, या तो वो खुद रिजाइन करें या फिर 65 साल से पहले नहीं हटा सकते, या फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूवल का प्रोसीजर हमने देखा कितना मुश्किल है, इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कि कम से कम 65 साल तक तो रहेंगे। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड कर रहा है। प्रोसीजर किसने डिसाइड किया, खुद ही डिसाइड किया, सर्विस कंडीशन भी खुद ही डिसाइड किया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जजेस की जो सर्विस कंडीशन होती हैं, जजेस की जैसे सैलरी हुई, अलाउंस हुई, ये सारे कौन कर रहे हैं, सैलरी अलाउंस पेंशन प्रिविलेजेस, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, तो इसको डिसाइड करने वाला है पार्लियामेंट। क्लियर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ऑफिसर लगते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद लगाए जाते हैं और उनकी कंडीशन भी वो खुद ही डिसाइड करता है क्या उनकी सर्विस कंडीशन रहेगी। लेकिन जजेस की अगर हम देखेंगे तो जजेस की जो सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन से क्या मतलब होता है, सर्विस कंडीशन से मतलब यही है ना कि कितनी पेमेंट मिलेगी, कितने अलाउंस मिलेंगे, कितनी पावर मिलेगी, कितने प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसको डिसाइड करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। ऑलरेडी बता चुका हूं पार्लियामेंट इसकी पावर बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रखना। तो सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और ये ऑलरेडी बता चुका हूं दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर रिसेंट वॉरियर्स आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ये पहले बात हो चुकी है इसके बारे में। जितने भी एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे उसकी पेमेंट हो चाहे ऑफिस का खर्चा हो, वो सारे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर समझना है तो हमने बजट में इसको बहुत क्लियरली किया था, इसको आप समझ सकते हैं। ये नॉन वोटेबल होते हैं बाय पार्लियामेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं दे कैन बी डिस्कस्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। नॉन वोटेबल कहाँ होते हैं और डिस्कस कहाँ किया जा सकता है, वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे बजट वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन एनी पार्लियामेंट, जजेस के कंडक्ट के बारे में आप कहीं डिस्कस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में डिस्कस कर सकते हैं, किसमें, जब उसका इम्पीचमेंट या रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा हो, एक्सेप्ट वेन इम्पीचमेंट और रिमूवल मोशन इज कंसिडर्ड अंडर पार्लियामेंट, तभी उसके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं जब उसका केस चल रहा हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर है, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जज है वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता जुडिशियरी की, या फिर हम कह सकते हैं एज एन एडवोकेट। क्यों, क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो जब भी उसके पास कोई जजमेंट आएगी तो देख लेगा कि बाद में मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है और अच्छी पेमेंट दे देगा अगर मैं इसके खिलाफ जजमेंट ना दूं तो, या फिर इसको मैं थोड़ा सा जजमेंट इसके 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 साथ दे दूं तो। क्लियर है, ताकि इस तरह के फेवर में ना फंस जाएं वो, इस वजह से हमने बोला हुआ है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। क्लियर है, बोल तो दिया लेकिन खुद ही लगा देते हैं, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अभी हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा है, पिछले कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने देखा कि राज्यसभा का मेंबर बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो चलता रहता है सब। उसके बाद पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इसके कंटेम्प्ट यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसके पास पावर है पनिश करने की। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर होंगी, इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, अपने ऑफिसर्स को या क्लेरिकल स्टाफ है, इस तरह का कोई भी स्टाफ है, इसको ये खुद ही अपॉइंट करता है, उसकी सर्विस कंडीशन क्या होगी ये भी खुद ही डिसाइड किया जाता है, कौन, सीजीआई ही खुद डिसाइड करता है और किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशन है कि किस एरिया तक प्रभाव रहेगा उसकी जुडिशरी का, उसको कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, कैन नॉट कर्टेल। क्लियर है, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, कई बार बता दिया आज तो, है यह रट गया होगा सबको कि एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से हम ये देखने वाले हैं जुडिशन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमें पता लगेगा कि इंडिपेंडेंस क्यों है। अब उसकी कुछ पावर डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस केसेस को लेता है, कैसे कैसे लेता है, आर्टिकल वाइज हम एक एक चीज समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को,
क्या समझते हैं? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, आर्टिकल 131। अगर एक एक लाइन में आपको समझाना, मैं सारे जुरिसडिक्शन आपको बता देता हूं, सारे बता देता हूं, एग्जाम पर्पज से सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद ये डिटेल उसके बाद देखेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है? ठीक है, केसेस को दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो डायरेक्टली आप किसी कोर्ट में पहुंच जाओ किसी के उसके केस को लेके, तो आप किस कोर्ट में जा सकते हो किसी केस से रिलेटेड डायरेक्टली, वो था ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। या फिर दूसरा तरीका है कि किसी केस में आप हार के आए हो बाय द वे ऑफ अपील, अपील के द्वारा आप उस केस में जा रहे हो, डायरेक्ट नहीं गए अपील के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जब डायरेक्टली बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इन फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में आप डायरेक्टली किस कोर्ट में जा सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस के लिए लोअर कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हो। क्रिमिनल केस के लिए आप लोअर कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, तो यहां पे हम कहेंगे कि लोअर कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है क्रिमिनल केस, कि क्रिमिनल केस में डायरेक्टली ये उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब सिविल केस, क्रिमिनल केस के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए क्रिमिनल केस में हम कहेंगे कि वो उनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता, क्लियर है, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको इनके थ्रू जाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखें सिविल केस, उसके बाद अरे कहां गया, उसके बाद देखते हैं सिविल केस, ठीक है। सिविल केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, या फिर अगर चाहो तो किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में भी जा सकते हो, लोअर कोर्ट में भी जा सकते हो। तो यहां पे अगर हम कहेंगे कि यहां भी जाया जा सकता है डायरेक्टली, यहां भी जाया जा सकता है, तो इन दोनों का हम कहेंगे कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इन द केसेस ऑफ सिविल केस, क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट से वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर हम देखें तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226, यही है। तो हम कहेंगे कि फंडामेंटल राइट के केस में इन दोनों के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर है, इतना ओरिजिनल समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं अपीलिएट, अपीलेट जुरिसडिक्शन। तो अपीलेट क्या है कि जब अपील के थ्रू जाओगे, अपील यानी कि जैसे लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, आप उससे खुश नहीं हो तो उसके खिलाफ अपील करने जाओगे बड़े कोर्ट में, तो आप मान लो पहुंच गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच गए तो किसी भी केस को लेके आप अपील में गए, चाहे तो एक क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, आप पहुंच गए हाई कोर्ट, तो क्या कहेंगे, ये हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन है कि वो इस केस को ले ले। अब हाई कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो क्या है, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किस किस केस को ले सकता है, उन्हीं केस में हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन है, कि अपील के थ्रू आप कहां पहुंच सकते हो, वो होता है अपीलेट जुरिसडिक्शन, क्लियर है, चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, क्या देखते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या होगा कि जहां पे आपसे कोई एडवाइस मांगे और आप उसकी एडवाइस को देने के लिए आपके पास कंपल्शन है, तो जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में सुप्रीम जो प्रेसिडेंट होता है, कौन प्रेसिडेंट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है और इस एडवाइस का जवाब इसको देते हैं, इसको बोलते हैं हम एडवाइसरी जुरिसडिक्शन, जहां पे एडवाइस मांगी जा रही है। और ध्यान रखना ये एडवाइस 143 में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, हाई कोर्ट से नहीं मांगता, लोअर कोर्ट से नहीं मांगता, तो हम कहेंगे कि सिर्फ एक कोर्ट के पास एडवाइसरी जुरिसडिक्शन है, और जिस चीज का सिर्फ एक कोर्ट के पास हो उसको हम बोलेंगे ये इसका एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है,
कि ये इसकी एक्सक्लूसिव पावर है, ये किसी और के पास नहीं है। तो जो सिर्फ एक ही कोर्ट के पास है उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। क्लियर है इतनी चीज? ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अब इन्हीं चीजों को समझते हैं हम उनके माध्यम से, और यहीं पे आपको समझ में आएंगी कि सबसे पहले मैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात कर रहा हूं। आर्टिकल कौन सा है? 131। और ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का, जब मैं बोल रहा हूं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल का मतलब कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसके अलावा किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उसको बोलेंगे हम एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो है ही, और सिर्फ उसमें जा सकते हो तो ओरिजिनल भी है, डायरेक्टली उसमें जा सकते हो तो ओरिजिनल भी है। तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या हो जाएगा? सिर्फ एक केस है। कौन सा केस है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल में? जो भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन स्टेट्स, यूनियन और स्टेट, यानी बिटवीन फेडरेशन की अगर हम बात करें, एक साइड यूनियन है, एक साइड एक स्टेट है, उन दोनों में कोई लड़ाई होगी, एक साइड एक स्टेट है, एक साइड तीन चार स्टेट है, उनमें कोई लड़ाई होगी, एक साइड यूनियन, यूनियन के साथ दो तीन स्टेट हैं और बाकी उसके खिलाफ स्टेट हैं, तो भी, या फिर एक स्टेट के खिलाफ दूसरा स्टेट है, तो कहीं पे भी अगर स्टेट का और यूनियन का कहीं पे भी नाम आ रहा है, उनके बीच में झगड़ा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। और अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, तो यही पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बताया जाए क्या है। तो स्टेट और यूनियन आपस में जब लड़ाई कर रहे हैं, उनका झगड़ा निपटाने का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब भी इस तरह का कोई केस आएगा तो दो पॉइंट हमेशा नोट करना कि सबसे पहला, वो जो झगड़ा है, वो जो डिस्प्यूट है, दैट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लीगल राइट। वो कहीं ना कहीं उसका लीगल पॉइंट होना चाहिए, तभी आप उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो पॉलिटिकली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकली नेचर का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। बोलेगा तुमने खुद ही ये बखेड़ा खड़ा किया, उसके सुलझाने के लिए मेरे पास आ गए, क्यों, तुम आपस में सुलझाओ। लेकिन अगर लीगल क्वेश्चन कोई आता है, लीगल क्वेश्चन कोई आता है, तो सिर्फ उस केस में आप जा सकते हो, पॉलिटिकल के लिए नहीं। दूसरा क्या बोला कि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी दो स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है और कोई सिटीजन बोल रहा है कि नहीं यार मैं इनका झगड़ा, मैं स्टेट में रहता हूं, झगड़ा हमारा उस स्टेट के साथ अच्छा नहीं है, तो मैं एज ए गुडविल जाऊं सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे दो स्टेट का झगड़ा चल रहा है आप सुलझा दो, तो कोई सिटीजन नहीं जा सकता, सिटीजन नहीं जा सकता स्टेट का लेके, ठीक है, गवर्नमेंट ही जाएगी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ लीगल कोई क्वेश्चन हो तभी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं जा सकता। और ये चीजें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि इन केसेस में आप स्टेट का झगड़ा नहीं लेके जा सकते। जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन आपने कोई अग्रीमेंट किया हुआ है किसी के भी साथ, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की लड़ाई लड़ते हैं, पहले की हमें नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं। अगर किसी ट्रीटी की वजह से, और जिस ट्रीटी में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि ये जो ट्रीटी है ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आती, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, तो उस ट्रीटी के लिए आप नहीं जाओगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसको सुलझाने के लिए भी नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए अलग से काउंसिल्स बनाई हुई है, वही सुलझाएंगी, इसके लिए आप नहीं जाओगे, ठीक है। मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन, कोई भी ऐसा मैटर जो स्टेट और यूनियन के बीच में झगड़ा चल रहा है लेकिन वो हमने फाइनेंस कमीशन को रेफर कर दिया, तो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस पेंशन बिटवीन, बेसिकली सेंटर स्टेट, सेंटर और स्टेट में फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड हो तब नहीं जाना है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट चल रहा हो कॉमर्शियल नेचर का तो भी नहीं जाना है। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्टेट ने हमें पैसे दिए थे लेकिन यूनियन ने हमें पैसे देने थे उसने दिए नहीं है, इस बात को लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें लेकर नहीं जाना है। ऑफ जब भी जहां पे लीगल राइट लीगल क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसी केस को लेकर आप वहां जा सकते हो, और ये जब भी स्टेट के बीच में झगड़ा होगा वो उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है।
एक और ऑप्शन, एक और एग्जांपल बताइए, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन का क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? तो बिल्कुल बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आर्टिकल 143 जहां पे प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, तो वो एडवाइसरी जुरिडिक्शन में आ जाएगा और वो भी एक्सक्लूसिव होता है। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आर्टिकल पढ़ते हैं 132, आर्टिकल 32 है, 132 नहीं है, ऐसा मत सोचना है मैंने बाय मिस्टेक 32 लिखा है, ये 32 ही है, 32 ही है, ऐसा नहीं है कि 131 के बाद 132 आना चाहिए, ये 32 ही है। इसको हम बोलते हैं रिट जुरिसडिक्शन, जहां पर रिट को इशू करने की पावर मिलती है। तो किस किस के पास है रिट इशू करने की पावर? फंडामेंटल राइट में मैंने बहुत क्लियरली बताया था, दो ही कोर्ट के पास है, किस किस के पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है, फॉर फंडामेंटल राइट, लेकिन हाई कोर्ट अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकता है, नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेस। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तभी सिर्फ रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट किसी भी केस में रिट इशू कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है रिट इशू करने का वो वाइडर है देन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखना, इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की हुई है जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, तो इसीलिए यहां मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बात करता। अब ध्यान रखना कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को बाकी चीजों पे भी रिट इशू करने की पावर दे सकती है, जैसे हाई कोर्ट के पास है फंडामेंटल राइट की तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा अदर केसेस में भी कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट की कर सकता है रिट इशू। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकती है अदर केसेस में रिट इशू करने की, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ पावर को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर होंगे। एपेलेट जुरिसडिक्शन थोड़ी देर पहले समझाया मैंने क्या होता है, आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है, अपील के द्वारा जब आप चाहते हैं, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन की बात करता हूं अंडर आर्टिकल 132, तो सिर्फ ध्यान रखना कि वहां कब जा सकते हैं, अपील के थ्रू कब जा सकते हैं, जब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हो, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो और हाई कोर्ट उसमें सर्टिफाई करे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग मैटर में चलेंगे हम। ठीक है, 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अपेलेट अपील की, 133 में सिविल की है, उसके आगे क्रिमिनल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें कि ऐसा कोई मैटर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आ रही है, कि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और हाई कोर्ट को लग रहा है नहीं इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, तो जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की या इंटरप्रेट करने की बात आएगी वहां पे हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट बनाएगा, एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि दिस केस रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस सर्टिफिकेट के साथ आप जा सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है, ध्यान रखना। सिविल मैटर्स में क्या होगा कि जब भी हाई कोर्ट, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया सीधा उठ के सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, अब ऐसे ही हर केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, क्योंकि लेने लग गया तो इतने केसेस उसके पास भर जाएगा उसका दिमाग, वो क्या 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 किस किस केस को सुलझाएगा, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो कौन कौन से केस अपील के द्वारा लेगा। तो सिविल केसेस में कौन कौन से केस लेगा, जहां पे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि ये जो सिविल केस है इसके अंदर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, कि जहां पे लॉ को इंटरप्रेट किए जाने की बात की जा रही, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं आलतू फालतू कोई भी लॉ, ऐसा लॉ जो बड़ी पब्लिक के लिए फायदेमंद या फिर नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसा लॉ इसमें इन्वॉल्व है और उसको इंटरप्रेट करने की बारी आ रही है, तो बेसिकली या फिर कह सकता है कि इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, तो ऐसा अगर कोई सर्टिफिकेट दे दे हाई कोर्ट तो भी आप बाय द वे ऑफ अपील कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्या होता था 1972 से पहले, इसमें कुछ लिमिट होती थी कि अगर आपका बेसिकली शायद 20,000 या 25,000 के आसपास थी कि 20,000 या 25,000 से ऊपर के फाइन का केस हो तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये केस हटा दिया, ये मॉनेटरी लिमिट हटा दी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रुपये का केस है, एक लाख रुपये का केस है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज इन्वॉल्व है जहां पे लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं लेता, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि इस केस में ये चीजें इन्वॉल्व हैं, तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं क्रिमिनल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में क्या है, क्रिमिनल मैटर में क्या है कि या तो हाई कोर्ट ने कि उससे लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था। क्या डिसीजन दिया था? उसने डिसीजन दिया था डेथ का। लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इसको दे देना चाहिए डेथ, राइट टू बी हैंग, मतलब उसको हैंग कर देना चाहिए। डेथ का उसने क्या दिया था? डेथ का उन्होंने दिया था सेंटेंस, डेथ सेंटेंस दे दिया था कि इसको लटका दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन उसने अपील की किसके पास? हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ने उस डेथ के सेंटेंस को रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके माफी दे दी। बोले नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो बेचारा बेगुनाह है। जब अचानक डेथ से एकदम माफी मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में कुछ खटकेगा कि इसमें है ना कुछ गड़बड़ चल रही है, शायद इसमें कुछ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ऐसा केस जिसमें डेथ से अचानक पूरी माफी दे दे, ऐसे केस को ले जाया जा सकता है बाय द वे ऑफ अपील, बाय द वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है, क्लियर है। इसमें ध्यान रखना, यहां पे आपके पास एज ए मैटर ऑफ राइट आप जा सकते हो। जब इस तरह का केस आता है उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट आप जा सकते हो कि किसी को फांसी हो रखी थी और अचानक से उसको बिल्कुल माफ कर दिया, तो दूसरी पार्टी एज ए मैटर ऑफ राइट यहां जा सकती है कि इसको फांसी हुई थी और यहां पे इसको वो बिल्कुल ही वो माफ कर दिया है, तो आप देखो कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ लग रही है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इसको सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी उससे कि हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट ले गया। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एज ए मैटर ऑफ राइट जा सकते हो। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि उसने सबॉर्डिनेट के जो कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उससे केस मंगवाया, उससे केस मंगवाया और केस मंगवाने के बाद खुद उसका डिसीजन दिया। और डिसीजन में उसने क्या दिया, या तो उसको बेसिकली अगर हम देखें क्या दे दिया, डेथ का सेंटेंस दे दिया। अपनी मर्जी से मंगवाया कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, केस हैंडल करना, मेरे पास भेजो, और यहां आने के बाद उसको डेथ सेंटेंस दे दिया कि तुम्हें जाओ फांसी की सजा देते हैं हम। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस केस में भी एज ए मैटर ऑफ राइट आप जा सकते हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समझ रहे हैं, जहां पे भी डेथ केस इन्वॉल्व है। किस केस में? ऐसा नहीं है कि बाय वे ऑफ अपील आप उसके पास गए, नीचे वाले ने कुछ दिया हुआ है लेकिन आप अपील करके गए और उसने डेथ सेंटेंस दिया, तब नहीं। अगर नीचे वाले ने डेथ के सेंटेंस दिया हो, आपने उसे माफ कर दिया, हाई कोर्ट ने माफ कर दिया, तब माथा ठनकना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, उसने डेथ दिया, इसने अचानक माफी कर दी, क्या गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हो। दूसरा केस कि नीचे वाले कोर्ट में चल रहा था, अब हाई कोर्ट को क्या इंटरेस्ट आया कि उससे केस मंगवाओ और उसको डेथ सेंटेंस दे दो, कि ऐसा इंटरेस्ट हाई कोर्ट का क्या छुपा हुआ है कि सुप्रीम वो सबॉर्डिनेट के कोर्ट को पूरा डिसीजन भी नहीं देने दिया, पहले ही केस मंगवा लिया और केस मंगवाने के बाद उसे डेथ सेंटेंस दे दिया। तो इन दो केसेस में एज ए मैटर ऑफ राइट आप डायरेक्ट अपील के लिए जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और बाकी सभी केसेस में जितने भी क्रिमिनल केस होंगे वहां पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, द केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये केस एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाई कोर्ट से कि दिस केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में नहीं चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना इसमें यहां पे जैसे मैंने बोला
कि जब डेथ सेंटेंस को इसने एक्विट कर दिया, डेथ सेंटेंस को एक्विट कर दिया, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन को अगर उसने एक्विट किया होता, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन को, जो उसने सिर्फ कन्विक्ट है उसको उसने माफी दी होती, तब मैटर ऑफ राइट नहीं था, तब उसे अपील करनी पड़ती है। बेसिकली हम कहेंगे कि वहां पे हम राइट ऑफ अपील नहीं है, वहां पे उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ डेथ को केस को एक्विटल करेगा तब चाहिए होगा। अब यहां पे एक अमेंडमेंट किया गया 1970 में कि ये तो आपने सिर्फ उसको दिया है जिसको सजाए मौत हुई है या फिर डेथ सेंटेंस दिया गया है। अब हर केस में तो सजाए मौत नहीं होती है, किसी को उम्र कैद की सजा भी होती है, वो भी तो बड़ी सजा है, आपने सिर्फ इसको क्यों लिया हुआ है। तो 1970 में थोड़ा सा चेंज किया गया और उन्होंने बोला जहां पे भी ये डेथ लिखा हुआ ना उसके जगह पे आप कर दो, उसकी जगह कर दो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल, कि 10 साल की सजा या उससे बड़ी सजा होती है। तो उस केस में अगर छोटे कोर्ट ने 10 साल की सजा दी है, उससे बड़ी सजा दी है, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा दी है, और हाई कोर्ट ने उसे माफ कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा केस अगर हम देखें, ये नीचे वाला कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा था लेकिन उसने अपने पास बुलाया और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, यानी सजा क्या दे दी, उम्र कैद की सजा दे दी या 10 साल से ऊपर की सजा दे दी, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सिर्फ डेथ को इन्होंने क्या बदल दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया या फिर 10 साल कर दिया, ये कंडीशन इन्होंने चेंज की है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये पढ़ा, अब पढ़ते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136। क्या है स्पेशल लीव पिटीशन? स्पेशल लीव पिटीशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीव क्या होती है। लीव क्या है? एक तरह से परमिशन होती है। क्या होती है? परमिशन होती है। जैसे जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तब भी मैंने बोला था कि मोशन को मूव करने के लिए लीव चाहिए फ्रॉम स्पीकर, स्पीकर से परमिशन चाहिए। यहां पे भी वही है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लेके आना है तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए, और उसी को तो ये बोल रहे हैं स्पेशल लीव पेटिशन। उस परमिशन के लिए जब गुजारिश की जाए, पेटिशन डाली जाए कि हमें भी परमिशन दे दो आपके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की, वही है स्पेशल लीव पेटिशन, आर्टिकल 136 में लिखी गई है। इसमें कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट को लड़ना होता है तो वो पहले क्या मांगता है, स्पेशल लीव पिटीशन मांगता है, फिर उसी लीव पिटीशन पे सारी डिटेल्स होती हैं कि ये क्या केस है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, और वो उस चीज के ऊपर डिसाइड करेगा कि ये मुझे केस लेना है या नहीं लेना है। अगर यहां मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाँ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल जाएगा। यहां पे कहां से मिली है? आर्टिकल 136 से इसको पावर मिली हुई है, ठीक है। और कहां पे? आप किसी भी केस के खिलाफ अपील करके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में बाय द वे ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। ध्यान रखना कि ये कहां यूज की जानी चाहिए। स्पेशल लीव पिटीशन सिर्फ यूज की जा सकती है कहां पे? जहां पे सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां इन्वॉल्व है वहां पे सिर्फ हम इसको यूज करेंगे, या फिर लगता है कि ग्रॉस इनजस्टिस किया गया है। कि बेसिकली अगर हम देखें कि जो कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए उसने जो है बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया है, इनजस्टिस किया, जस्टिस के बजाय इनजस्टिस हो रखा है किसी के साथ, तो वो भी स्पेशल लीव पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्पेशल लीव पिटीशन से क्या मिल जाती है? उसको एक परमिशन मिल जाती है उसको सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। और ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से देता है लीव पिटीशन कि इस केस को मैं इन्वॉल्व करूं या ना करूं, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। इसको एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने स्पेशल लीव पिटीशन बोला, मैंने एप्लीकेशन डाल दी, मेरा केस क्यों नहीं लिया आपने, ऐसे नहीं मांग सकते। वो उसकी मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे तो उस केस को एडमिट करे या ना करे, क्लियर है? आपकी मर्जी, आपका, आपके क्या राइट है, आप स्पेशल लीव पिटीशन लेके जा सकते हो बस, बाकी आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, ठीक है। इसमें ये बाकी चीजें अगर हम देखें तो किताब में आपकी देनी हुई है, ये मैं अलग से आपके लिए लेके आया हूं। तो बाकी चीजें क्या है कि ये कब कब फाइल की जा सकती है, कि जब भी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके विद इन 90 डेज आपको ये फाइल की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट के डिसीजन के विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर अगर कोई फाइल करेगा तभी वो अपील में लेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि मैंने क्या बोला था, लीव कब मिल सकती है, कब इसको इन्वॉल्व कर सकता, अपील कब की जा सकती है, जब हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे। जब किसी बंदे ने हाई कोर्ट में सर्टिफिकेट के लिए अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया सर्टिफिकेट देने से, तो उस केस में उसके पास 60 डेज हैं। जिस दिन से मना किया है सर्टिफिकेट देने से, उस दिन के बाद से 60 डेज हैं। 60 डेज के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है और बोलेगा कि हम गए थे हाई कोर्ट के पास लेकिन उसने मना कर दिया हमें लीव पर वो सर्टिफिकेट देने से। अब आप देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे मांग सकता है। अब जो स्पेशल लीव पेटिशन है वो बेसिकली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये साइन करेगा तभी उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, नहीं। कौन है ये कोर्ट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हमारी लास्ट स्लाइड आएगी आज की, तो वहां पे एडवोकेट्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू पेटिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिव्यू पेटिशन बेसिकली क्या है, तो रिव्यू पेटिशन आपकी आएगी आर्टिकल 137 में। रिव्यू पेटिशन क्या होती है कि ये 137 है ना जो आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जो उसके पुराने जजमेंट है उन्हीं को दोबारा रिव्यू करने की। फेमस एग्जाम्पल आप देख सकते हो गोलकनाथ केस, जब हमने वो पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर, गोलकनाथ केस को कैसे रिवर्स किया गया केशवानंदा भारती केस में। गोलकनाथ केस में बोला कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट कर सकते, लेकिन यहां बोला कि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हो, पूरा ऑर्डर रिवर्स कर दिया। कैसे? रिव्यू पेटिशन से। रिव्यू किया उसने अपने ही ऑर्डर को कि मैंने पिछले केस में ऐसा बोला था लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं वो गलत बोला है, अभी मैं उसको सही करता हूं। तो खुद के ही ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करना इस पेटिशन के थ्रू आएगा। रिव्यू पेटिशन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है। हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट। क्लियर है, चीजें क्लियर है। अब ये जो रिव्यू पेटिशन है, ये जो रिव्यू पेटिशन है, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है उसके बाद किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, उसी का केस है, उसको लगता है कि नहीं ये फैक्ट इसने कंसीडर नहीं किया है, तो वो दोबारा से रिव्यू पेटिशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि सर आपने जजमेंट दिया था और आपसे ये गलती हुई, आपने शायद ये फैक्ट देखा नहीं ढंग से, तो रिव्यू पेटिशन डाली जा सकती है। और यहां पे इस रिव्यू पेटिशन को जिस दिन जजमेंट आया है उसके बाद विद इन 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिव्यू पेटिशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब रिव्यू पेटिशन डाली जाएगी उसमें ओरल आर्गुमेंट नहीं चलते। नॉर्मल उसमें क्या होता है केस में कि आप जाओगे, आपके साथ एडवोकेट जाएगा, एडवोकेट जज वहां बैठे होंगे, नीचे एडवोकेट है, सवाल जवाब चलेगा, ओरल आर्ग्यूमेंट चलती है। लेकिन जब आप रिव्यू पेटिशन डालते हो तो आप उसमें क्लियरली मेंशन करते हो कि आपने ये फैक्ट नहीं देखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, बस उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट किया जाता है। किसको? उन्हीं जजेस को जिन्होंने आपका डिसीजन दिया था कि आपने जो डिसीजन दिया उसको देखो एक बार, ये एक बार इसमें एक फैक्ट भी है, इन्वॉल्व है, ये है, वो है। उसके बाद सुनवाई नहीं होती है, वो कागजों पे ही सारा जजमेंट दोबारा से देते हैं। अगर रिवाइज करना हो या जो भी डिसीजन देना हो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पे होता है, सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। ओरल आर्गुमेंट नहीं होते हैं इसमें, ध्यान रखना, रिव्यू पेटिशन। और उसके बाद फिर से उसका डिसीजन दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को लगे कि नहीं रिव्यू पेटिशन में भी उन्होंने ढंग से नहीं दिया, तो क्या कोई रास्ता है? तो क्या कोई रास्ता है रिव्यू पेटिशन में भी अगर किसी को लगे कि अभी भी इन्होंने ढंग से नहीं दिया, तो हाँ एक और रास्ता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव पेटिशन। क्यूरेटिव पेटिशन के द्वारा भी यहां तक जाया जा सकता है। ये क्यूरेटिव पेटिशन का है बेसिकली, एग्जाम के पर्पज से सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि क्यूरेटिव पेटिशन रिव्यू पेटिशन के बाद आती है। ये सारी कहानी
ना आपकी किताब में है ना आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर चाहें तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके नोट्स में डाली हुई है तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि रिव्यू पेटिशन के बाद क्यूरेटिव पेटिशन भी आ सकती है, बस इतना आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगला आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं अंडर आर्टिकल 143। क्या होता है कि प्रेसिडेंट मांग सकता है कोई भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। किस चीज में? दो कैटेगरी है इसकी। क्या क्या कैटेगरी है? पहला, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके ऊपर एडवाइस मांग सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो एडवाइस दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो एडवाइस दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, तो इस केस में इनकी मर्जी है। दूसरा केस होता है एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कि ऐसा कोई डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आ रहा है, अगर उससे रिलेटेड अगर इसने कोई एडवाइस मांगी है तो यहां पे मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट जब एडवाइस के लिए मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट देता ही है, ठीक है, ये बस मे रिफ्यूज है, चाहे तो नहीं भी करे वो इसकी मर्जी है, लेकिन देता ही है, ठीक है। आज तक अगर हम देखें तो टोटल 15 बार इस आर्टिकल का यूज हुआ है, 15 बार इसका आज तक, इन द सेंस मैंने 2019 तक का इसमें लिया हुआ है, तो 2019 तक अगर हम देखें तो 15 बार इसका यूज हुआ है। उसमें लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2G स्पेक्ट्रम केस है, उससे पहले अगर हम देखें तो राम जन्मभूमि केस है, ये भी हमारा एडवाइजरी में था जहां पे प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, क्लियर है। तो इस तरह से 15 रेफरेंसेस इसके मिलते हैं, आपकी बुक में शायद 15 की 15 लिस्ट दी है, चाहे तो देख सकते हैं, कोई ज्यादा यूज है नहीं। उसके अलावा अदर पावर्स में, अदर पावर्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। इसका आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। क्या है इसके अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, क्या बोलता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जितने जजमेंट दिए, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई, जितने भी उसके एक्ट उसने बनाए, वो सारे एविडेंशियरी वैल्यू के हैं और उनको लीगल रेफरेंसेस में यूज किया जा सकता है। अब इस कहानी का मतलब क्या है, जो मैंने इतनी सारी कहानी लिख दी कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, लीगल रेफरेंस में यूज किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है एविडेंशियरी वैल्यू का, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो इसको अगर समझने जाएं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ एज ए एविडेंस। क्या लेके आओ? एज ए एविडेंस। कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है तो उस एविडेंस को प्रूफ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है बेसिकली कि ये एविडेंस सही है या नहीं है, ये एविडेंस सही है या नहीं है, इसको प्रूव किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप चाहे किसी का सुसाइड नोट लेके चले जाओ, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके खिलाफ एफआईआर, किसी भी पर्सन के खिलाफ एफआईआर हुई, उसको जेल में लेके गए, जेल यानी कि जो बेसिकली पुलिस स्टेशन में जो जेल होती है वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ, और वहां पे उसको बोला कि यहां रख दी बंदूक और बोला कि ये लिख जो मैं बोल रहा हूँ, बयान, जिसे हम बोलते हैं बयान, बयान लिखवाओ, बयान लिखवा लिया उससे कुछ भी, और लिखवा के उसके साइन करवा लिए कि साइन कर इस पे कि ये तूने लिखा है, और उसने लिख भी दिए कि मैं जो है पूरे होश हवास में अपना ये बयान देता हूँ कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है और मैं इस मर्डर के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, और उसके नीचे साइन करवा दिए, मर्डर है या चोरी है कुछ भी है, लिखवा लिया और साइन करवा दिए, और ये डॉक्यूमेंट उसने कहाँ दे दिया? कोर्ट में दे दिया। ये डॉक्यूमेंट उसने कोर्ट में दे दिया कि लो साहब ये रहा एविडेंस। एविडेंस मतलब ये खुद कबूल कर रहा है कि इसने ये चोरी की है या मर्डर किया है।
लेकिन कोर्ट इतना मूर्ख नहीं है, कोर्ट को पता है कि ये सारी चीजें दबाव में भी लिखवाई जा सकती हैं, तो वो क्या बोलेगा कि प्रूव दिस एविडेंस, इस एविडेंस को प्रूव करो। प्रूव करो मतलब कि जो जो लिखा है, जिसने लिखा है उससे दोबारा मेरे सामने बुलवाओ कि ये उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है। इसीलिए हर एविडेंस को प्रूव किया जाता है कोर्ट में, सिर्फ लिखने भर से, एफिडेविट पे साइन करने भर से वो एविडेंस नहीं हो जाता, उसको प्रूव करना पड़ता है। और जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने भी प्रोसीडिंग होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं, वो सारे एविडेंशियरी वैल्यू के हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो भी उसका एक्ट है, उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंशन भी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था और इस केस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो वो एज ए एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि हर छोटी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जज तो आ नहीं सकता ना प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने ये लिखा था, अब मैं इसको बोल के बताता हूं ना। सुप्रीम कोर्ट जज ने एक बार जो ऑर्डर दे दिया वो एविडेंशियरी वैल्यू है, और वो एज ए एविडेंस कहीं पे भी यूज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। समझ में आया इसका क्या मतलब होता है? तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। उसको लीगल रेफरेंसेस में यूज करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसीजन दिया था। मैं भी आपको पढ़ाते हुए कई चीजें बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये बोला हुआ है, केशवानंद भारती में बोला था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लीगल रेफरेंस में दिया जा सकता है। क्लियर है? इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में एक और चीज आ जाती है, ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसके पास पावर है उसके कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए, जो भी उसकी डिग्निटी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने कंटेम्प्ट के लिए नहीं, हाई कोर्ट या किसी भी तरह का कोई कोर्ट हो उसके कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकता है। तो किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं किया जा सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी कोर्ट में अलाउड नहीं है। क्लियर है? और दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, ये इस बार के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में कुछ हुआ था, अगर आप लोग न्यूज पे ध्यान रखते हो, ठीक है। तो दिल्ली में जो डिप्टी सीएम थे, कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई इशू था वहां पे, उनको फिर फाइन देकर छोड़ना पड़ा था, इस टाइप का कुछ था। तो ध्यान रखना, दो तरह के होते हैं, और वहां पे इन चीजों का बड़ा आया था कि उसने क्या किया था क्या नहीं किया था। आपको सिर्फ इसका बुक के हिसाब से पता होना चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। सिविल में क्या आता है? सिविल का मतलब होता है कि विलफुल डिसोबीडियंस, जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मैं नहीं मानता, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है मैं बोलूं कि मैं नहीं मानता हूं, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं। तो क्रिमिनल क्या हो जाएगा? तो क्रिमिनल में आपके ये तीन चीजें आ जाएंगी, या तो मैं कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी तरीके से कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, स्कैंडलाइज वहां पे स्कैंडल्स मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे उसकी कोर्ट की अथॉरिटी कम हो जाए। दूसरा है प्रिजुडाइस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह की बाधा डाल रहा हूं तो भी आपका क्रिमिनल हो जाएगा। इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, जस्टिस जो हो रहा है उसको किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हो, चाहे तो आप गलत किसी से बुलवा रहे हो, झूठ बुलवा रहे हो, या कोई भी जस्टिस को अगर आपने किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हो तो वो भी आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दो तरह के हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। सिविल में सिर्फ एक केस है विलफुल डिसोबीडियंस, उसके अलावा सारे क्रिमिनल में आ जाएंगे। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसके लिए एक्ट बना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक्ट बन गया, यानी कि इसमें सारी चीजें लिख दी कि सिविल सिर्फ इसमें होगा, क्रिमिनल सिर्फ इसमें होगा, हमने लिख दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, कोडिफाई कर दिया, लिख दिया। जब हम करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की बात, जहां पे हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में, क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
या पार्लियामेंट्री डिग्निटी को जब हार्म किया जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज नॉट कोडिफाइड, और नॉट कोडिफाइड का मतलब है कि वो किसी एक्ट में नहीं लिखे हुए, वो अलग अलग जगह पे हैं, और जहाँ पे जो भी एक्ट में नहीं लिखा है यानी उसका दायरा बहुत बड़ा है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में ला सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जब इन्होंने कोडिफाई कर दिया तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम सिर्फ इन चीजों के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला सकते हैं। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रखना। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 105 में लिखी हुई है पार्लियामेंट की, और स्टेट लेजिस्लेचर की इसमें आप 89 जोड़ोगे तो आपको स्टेट की मिल जाएंगी 194। क्लियर है, इतनी चीजें पता।